टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से लाइव आने में थोड़ा टाइम लगा, बट हम लोग वापस से लाइव हैं। सो थैंक यू अगेन मधुसूदन भाई आने के लिए। मैं इनको भाई, मेरे एक बड़े भाई के साथ मुझे गाइड भी, वैसे ये बहुत ही सिंपल सा आदमी है, आदमी बहुत सिंपल है लेकिन इनका जो काम है वो बहुत हाई लेवल का काम है। तो ऐसा अरे सोचा जाता है कि इनके काम को समझने के लिए भी एक आर्टिस्ट का नजर होना चाहिए, तब जाके आपको काम थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो वही रीजन है कि हम लोग आज लाइव आए हैं बात करने के लिए। क्यों बात करने के लिए आए हैं? और उससे पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग यूट्यूबर नहीं है, ठीक है, और हम लोग इंटरटेनमेंट कैटेगरी से नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग यूट्यूब पे करते हैं, चाहे वो डेमो हो, चाहे मेरा चैनल अपलोडेड है, उन सब के लिए हम लोगों को कहीं से पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग का वीडियो उस तरीके से नहीं देखा जाता है जिस तरीके से एक इंटरटेनमेंट चैनल का वीडियो दिया देखा जाता है। बट हम लोग ये सब चीजें इसलिए शेयर कर रहे हैं, अभी हम लोग अपना जो टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, बिना खाना पीना खाए, बिना मतलब अपना काम को छोड़ के जो हम लोग टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो भी है वो इसी के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं ना। हम लोग बिजनेसमैन नहीं है कि हर जगह प्रॉफिट और लॉस देखा जाए। तो ये फील्ड ऐसा है कि अगर हम लोग को कुछ आता है तो वो चीज सामने थोड़ा सा डिलीवर करना चाहिए, इसीलिए आज हम लोग लाइव हैं। और बिल्कुल बिल्कुल तो इनका काम तो बहुत, जो भी लोग इनके काम को फॉलो करते हो, बहुत ऑलमोस्ट सबको पसंद आता ही है इनका काम, ना पसंद आने वाला वैसा कुछ नहीं है, बट इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो और हम लोग आज उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, इनके इनके लाइफ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इनका जर्नी रहा है आर्ट में। और क्यों बात करेंगे? क्योंकि बात करना जरूरी है। जब आप एक आर्टिस्ट का काम देखते हो तो आप बस उनका काम देखते हो, जब आप उनके बारे में जानते हो तो आप उनका काम को और डिटेल में समझ सकते हो कि उनके काम में वो चीज़ कहाँ से आया है, वो काम में वो चीज़ कैसे आ रहा है ना। जैसे बहुत कई लोग होता है कि रहता है यहाँ पे, अब काम करता है कहीं और का, है ना। जब आप इनका काम देखोगे तो आप ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी इन्वायरमेंट का आपको काम दिखेगा। मोस्टली जहाँ से आते हैं, मोस्टली ये जो जगह पर रहते हैं वो शहर से थोड़ा दूर वाला एरिया है, तो वहाँ पे विलेज सीन, थोड़ा नेचुरल सीन थोड़ा ज्यादा होता है, उसी सब चीज आपके इनके काम में दिखेगा। तो जब इनके बारे में जब आप जानोगे तो आप इनके काम को और अच्छे से समझ सकते हो, इसीलिए आज हम लोग लाइव है। सो अभी मधुसूदन भाई थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपना। देखो, मेरा मैं क्या कहूँ, मतलब मेरा जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था वो काफी अलग तरीके से हुआ था। सच कहूँ तो मुझे अभी जैसे मिलते हैं सब लोगों के सब में जैसे कनेक्ट करता हूँ, और इतने बच्चे के साथ जैसे जब कनेक्ट करता हूँ तब मुझे एक चीज ही रियलाइज होता है कि मेरा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। मतलब जो जगह है सब आप लोगों के लिए और आप लोगों ने बना के दिए मुझे, मेरा कुछ नहीं, और फर्क भी नहीं पड़ता है कि कुछ हो जाए, ये वो कुछ नहीं। मेरा मकसद यही था, मैं एक एकदम मिडिल क्लास फैमिली जो होता है, मिडिल क्लास से भी डाउन हूँ मैं एकदम गांव का बच्चा हूँ, और मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं कि जो आर्ट कॉलेज का प्रिपरेशन दे पाया, ऐसा भी नहीं था उस टाइम का हालत जो जैसे था। तो मुझे जब रियलाइज होना स्टार्ट हुआ था तब मुझे, मैं खुद ही डिसीजन ले लिया था कि मैं, मुझे कॉलेज में नहीं ज्वाइन करना है, मुझे मैं पूरी वहीं से सिद्धांत ऐसे ले लिया था, क्योंकि मैं जहाँ से सीख रहा था उस टाइम पे, जहाँ से क्लासेस ले रहा था, तो वो जो टीचर था काफी सक्सेसफुल एक टीचर था, औसित साइन नाम का एक टीचर है। उन्होंने अभी स्कल्प्टर आर्टिस्ट है एंड एब्स्ट्रैक्ट बनाता है। ड्राइंग स्किल भी उस टाइम पे मुझे तो मतलब भगवान जैसा लगता था, अभी भी उतना ही मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। और सबसे ज़्यादा सीखा है कि एक्चुअल आर्टिस्ट का नेचर कैसा होना चाहिए। मैं कभी कभी टी शर्ट या ये वो आप सबने देखे होंगे कि, और भी पहले ना काफी मैं मतलब अलग टाइप का ही था। धीरे धीरे मेरा मोटिव चेंज होते जा रहा है और पता नहीं और भी क्या क्या चेंज होगा और क्या नहीं, लेकिन उन्होंने काफी कुछ चेंज कर दिया मेरे लाइफ में। तो
तो क्या है ना, उनको देखा और उनको देखा कि उन्होंने भी आर्ट कॉलेज का नहीं है, और मुझे उस टाइम पे लगता था कि तो मैं आर्ट कॉलेज का नहीं हूँ, तो मेरा जो जितने सारे बैचमेट जितने सारे बच्चे थे या फ्रेंड था सब सब ने आर्ट कॉलेज में पढ़ रहा है, और मेरा बहुत बुरा लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली पहले एक दो कॉलेज में ट्राई भी किए लेकिन नहीं मिले मुझे, और इसीलिए मेरा दिमाग में आया कि एक एकेडमिक स्टडी करवाता है, एक जगह है वो एक क्या कहते हैं डिप्लोमा टाइप का एक कॉलेज है, तो वहीं पे मॉडल स्टडी के लिए एडमिशन ले लिया था। तो वैसे ही उतना ही सीखा मैं, और वहीं पे बस मॉडल स्टडी करने के लिए जाता था। और एक चीज वही बता रहा था ना काम करते करते कि कितना कुछ लाइफ में चलते चलते इतना एक्सीडेंटली इतना कुछ होते 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 मेरा बस यही मकसद था कि मुझे अच्छा पेंटिंग करना है और कुछ नहीं सच में। मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि मैं घर से पूरी नाराज था घर वालों ने कि मैं कुछ कर पाऊँ, मतलब ऐसा उस टाइम का सिचुएशन अभी क्रिएट हो जाएगा ना मैं रो दूंगा, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन था सच में मेरा आंखों से देख सकते, और गजब टाइप का था टाइम। और मैं क्या करता था कि पूरी पूरी दिन मैं निकल जाता था साइकिल लेकर के, एक साइकिल था वही मेरा बस वही मुझे सपोर्ट करता था कि चलो इधर उधर चलो काम करो। और पहले क्या होता था कि गाँव में ना ऐसा टीचर भी अच्छा नहीं था, जो लोग पोस्टर लिखता है ना तो उन लोगों नहीं सिखाते ऐसा आर्ट कॉलेज का प्रिपरेशन क्या होता है, सच में आर्ट कॉलेज का कोई लाइफ है कि नहीं वो भी जो बताएगा उस वाला लोग भी नहीं है गांव में, बेसिक गाइडेंस नहीं था। हाँ कुछ नहीं था, तो लेकिन वही चीज कि खुद को लगता था कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ अरे भाई क्या कर रहा हूँ कमाल कर रहा हूँ, इधर उधर प्राइज मिल रहा है लग रहा है कि अरे क्या बात है आर्ट कॉलेज में ट्राई करो बात ही नहीं है वो तो हो ही जाए। तो वैसा करते करते ना बस काफी डर गया, एक बार कॉलेज में ट्राई किया और नहीं हो रहा है, और पता है कि जब मेरा सबसे अभी मतलब काफी हंसी आते मतलब ये सुन के या रिवाइज करते तो तब ये सब चीज को एक फैमिली का घर में मैं रुक के थे कोलकाता में, और आर्ट कॉलेज का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मिलन मल्लिक सर का इतना ये था कि हर एक कॉपी करता था और डीवीडी लेके गए कि बीएपी एग्जाम देने के लिए कि उनके घर पे मैं डीवीडी प्ले करके वो बस एक बार मुझे समझना है कि वाटर कलर क्या चीज है बस वहीं पे दिखा दूंगा मैं, तो ऐसे करके गए। और सोचो यही माइंडसेट क्या था बीएफए के लिए क्या करना चाहिए और क्या कर रहा था, मतलब एक्चुअल वो जो नॉलेज देने के लिए कोई नहीं था। और उसके बाद वो सैर के साथ मुलाकात हुआ और तब मेरा डिसीजन चेंज हो गया कि घर वालों ने ऐसे मुंह के ऊपर कह दिया कि नहीं मैं आपका जिम्मेदारी आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और बीच में ना एक हंगामा हो गया था, बीच में मैं एक मेरा एक फ्रेंड एनिमेशन कंपनी का काम करता था और मैं उनके साथ रहते रहते थोड़ा बहुत फोटोशॉप ये वो सीख लिया था, मैं भी छोटा सा एक एकदम घर में जैसे होता ना तो छोटा सा ऐसे एडिटिंग ये वो करता था और ड्राइंग भी अच्छा आता था तो इसीलिए छोटा छोटा करके स्केचेस करता था। तो उन्होंने पापा को बताया था कि इनका मैं बात कर रहा हूँ तो एनिमेशन में हो जाए, तो तब एक नया एक कंपनी खुल रहा था और काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को चाहिए जो कि काम इसमें वो काम कर सके और थोड़ा सा ऐसे हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने बुलाया और पापा के साथ ऐसे ये हो गया और 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया कि आपको काम करना ही है और जो आपको पता नहीं है वो सब सिखा देगा। ठीक है, तो उतना मेरा नॉलेज भी नहीं था तो ऑलमोस्ट वहीं पे 1 वीक काम करने के बाद मेरा ये कौन सी ईयर का बात है, ये कौन सी ईयर का बात है, ये 2013-14 का होगा। बहुत अर्ली स्टेज आपके लाइफ का हुआ ना। हाँ। उस टाइम में लगभग आप कितना काम कर चुके थे वाटर कलर में जिस टाइम ये हुआ, उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया था?
तब स्टार्ट किए कि सर के पास गए, वो कॉलेज का सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद सर के पास गए कि मेरे को ये नहीं आते वो नहीं आते, वो भी एक्सीडेंटली हुआ कि सर के साथ जो कनेक्ट हुआ कि वो भी कहां से, ये मुझे अभी लगता है कि ये पूरी एक टाइमलाइन है, मतलब कहां से किसका कौन सा टाइम पर किसके साथ मुलाकात होगा और आपका लाइफ में क्या हो सकता है किसी को पता नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा अचानक से हो गया था। तो अच्छा, वहीं पे वन वीक काम करने के बाद ऐसा रियलाइज हुआ, मतलब वहीं पे आनंद में महसूस करना स्टार्ट किया जब मैं मिलन मल्लिक को छोड़ करके, जैसे एक आर्टिस्ट को दिमाग में बैठे के रखा था कि हाँ ये है वो है, ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट को मैं ऐसा ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन जो स्टडी पार्ट होते हैं अलग है, और जो एक टेक्निकली जो स्पेस होता है उनका एक्सपेरिमेंट देख करके आहा करके हम लोग कॉपी कर लेते हैं, वो अलग है, वो गहरा चीज है। आपको और भी मतलब जो कोई काम करते हैं उनको पता है, जो नया है उनको थोड़ा सा समझने के थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा चेंज हो गया थॉट कि मुझे खुद को नेचर में ले जाना पड़ेगा और खुद को स्टडी करना है। कैसा स्टडी करना है सर ने भी ये नहीं सिखाया था उस टाइम, ये चीज एक अच्छा किए थे, जो कुछ भी किए आज तक सैर का कोई मतलब डेमो भी नहीं देखे आज तक, मतलब डेमो मतलब कि ऐसे ऐसे स्केचिंग करते था जैसे एब्स्ट्रैक्ट जोन पर, जैसे ब्रास का खेल वो है, लेकिन लाइव वाटर कलर ऐसे होता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे होता है कंपोजिशन, ये वो ऐसे मैनुअली कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता। लेकिन जो कुछ भी हुआ बाहर गया और ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ, जो कि दिमाग फाड़ रहा था क्यों नहीं पड़ रहा, मतलब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इतना लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। मेरा फ्रेंड लोग जितने जो सब था वहीं पे, उन लोगों का काम देख करके ना मेरा दिमाग फाड़ जाते थे। एक कैंप ऐसा हुआ था मेरा, तो बस वैसा हुआ कि मेरा बुखार आ गया था इतना टेंशन करते करते, और इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बाद मतलब एक दो कैंप ऐसा हुआ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और देख करके तो मेरा मतलब ऐसा फाट रहा है कि अरे मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मुझे छोड़ना ही है, मतलब पेंटिंग फील्ड से निकल जाना सही होगा, मतलब ऐसा लग रहा था। उसके बाद ना दो तीन दिन ऐसा देखते 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 ऐसा लगा कि अरे एक चीज हो रहा था कि मेरा जो फ्रेंड था उन लोगों को मैं वो सब लाइव कभी भी देखेगा तो उनको लिए मतलब काफी सारी थैंक यू कहूंगा, क्योंकि उस टाइम उन लोगों का भी जरूरत था, मतलब वो कॉम्पिटिटर था इसीलिए मैं इस जगह पर हूँ, सच में सच बत गया है, क्योंकि तो फिर वही होता है कि अपना काम करके लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता ना, तो वहीं पे उनको लगता है कि हाँ भाई मैं तो जो कर रहा हूँ वाह क्या बात है क्या सीन है, तो वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे ना दो तीन दिन काम करके यही रियलाइज हो रहा है कि अरे वो लोग जो कर रहा है वो जो कुछ भी सोच रहा है ना वही प्ले कर रहे हैं और वो हो भी जा रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ तो खुद कुछ भी नहीं बन रहा है, क्यों भाई, अरे क्या पापिश था या मतलब ऐसा क्या पाप किए थे इसलिए नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा जो होता है ना थॉट में, मतलब तो अचानक सा एक पेंटिंग हो गया निकल गया, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया कि हाँ मुझे करना है, और उससे पहले कुछ किए थे कि अचानक सा पहला एक खुद का हाथ से एक अच्छा पेंटिंग निकल गए मेरा गांव में यहीं पे एक करते करते, तब लगा कि हाँ ऐसे ऐसे करने से हो सकते हैं, मतलब मैं जितने सारी कुछ सीखा है किसी का फोटोज या पेंटिंग देख करके या नेचर से करते करते ऐसा लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है इसीलिए सीखे, मतलब ऐसे करके करे, और आप सोचो कि ऐसा लर्निंग चल रहा है मेरा, क्या एक्सपेक्टेशन रह सकता है मेरा, एक इतना हो जाए इतना लोगों को पता चले या ये वो कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, पूरी जीरो में चल रहा था, मुझे बस यही बस था कि सपने इतना अच्छा कर रहा है तो मुझे करना चाहिए, बस इतना ही मेरा थॉट में था, क्या होगा क्या नहीं होगा मतलब जिंदगी कैसा चलेगा ये वो, पूरी पगल की तरह मतलब ऐसा काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद लगा कि फुल सीट में काम करना है, और फुल सीट में कंपटीशन ऐसा चलता था कि जो फ्रेंड था मेरा वो 5 काम करते तो मेरा टारगेट था कि 10 काम करना है पूरी वीक में, और पूरी दिन में मतलब 6 घंटा 7 घंटा करके एक्सरसाइज कर मतलब पेंटिंग करता था, तो ऐसा करके ना एक धीरे 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 सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, और तब और भी काम करना स्टार्ट किया, जो फुल सीट था उससे
दुगुना कर दिया, उससे तीन गुना कर दिया, ऐसे करके दो ईजल लगा के, आप सोचो कि दो ईजल लगा के काम करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे देख रहे हो कि ये प्रॉब्लम जितना आगे जा रहा है ना, मतलब सॉल्व होते जा रहा है। पहले जैसा एकदम डार्क था। अच्छा, घर वालों ने क्यों नाराज था, इसका रीजन है कि कंपनी छोड़ के मैं आ गया था, मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया था कि ए और ओ, उसमें दोनों का रात और दिन का डिफरेंट पता चल रहा है, और तब लग रहा था अरे भाई नहीं चलो हो गया, तो वैसा वैसा सीन है। तो उसके बाद जर्नी अच्छे से स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट मतलब कि काम करते जा रहा, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ आर्टिस्ट को देख रहा था, देखते देखते अचानक से एल्बेरो जोसेफ को और हरमन पेपल को, मतलब तीनों को एक पेंटिंग करने देखा, और उसके बाद एक एक करके अलग से वो एक वीडियो था जिसमें वो साथ में पेंट कर रहे थे। हाँ, तो उसके बाद तीनों का अलग अलग सा वीडियो से वो देखना स्टार्ट किया, और कितना नेचुरलिस्टिक, तब नेचर के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया सच में। वो हरमन पेपल नाम का और जोसेफ का, ये दोनों का जो वीडियोज में कुछ पहाड़ों का ये वो कुछ वीडियोज देख रहा था कि नेचुरल कलर ये होता है। इतने सालों से इंडिया का जो पेंटिंग देखा था, जिसका जो मन कर रहा था वो अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इतना मैच्योर आर्टिस्ट है और उन लोगों ने नेचर का जो कलर का एब्जॉर्बेशन वो देख करके मेरा लग रहा था कि अरे सच में मैं पूरी लैंडस्केप देख रहा हूँ। तो उसके बाद टर्निंग पॉइंट कौन सा था जहाँ पे आपको लगा कि हाँ आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा मैच्योर हुआ, वो कब हुआ काम को लेके? हाँ, एक मैच्योर माइंडसेट। देखो पहले पहले जैसा कि मैं कैसे करूँ, मतलब ऐसे ऐसे बोर होकर के घर आता था। उसके बाद धीरे धीरे ना, मतलब खुद काम कर रहा हूँ तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और एक चीज हो रहा है कि मैं 10 काम कर रहा हूँ तो 10 काम के 2-4 काम अच्छा हो रहा है, और बाकी काम बस फ्लो में कर रहा हूँ, करना है बस कर रहा हूँ, ऐसा करता था। अभी भी कुछ साल पहले भी ऐसा करता था कि रिकॉर्ड था मेरा कि 5-7 पेंटिंग कर रहा हूँ, मतलब कश्मीर तक मेरा ऐसा ही था कि 7-8 पेंटिंग बना रहा हूँ, मतलब पूरी दिन में। उनका टारगेट ऐसा था कि मुझे ज्यादा करना है, मतलब वो जो मूव हो रहा है मूवमेंट को पकड़ने के लिए ज्यादा करना है, लेकिन ये गलत प्रोसेस है। लेकिन एक टाइम तक ये करो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ ऐसा है। अच्छा, जहां से टर्निंग हुआ कि एक एग्जीबिशन हुआ 18 के टाइम, और वो एक क्लास एग्जीबिशन है, और वहीं पे कुछ पेंटिंग्स देख करके कुछ लोग इतना मोटिवेट कर दिए थे, और सच बात कहूँ तो आपका पास वाला सच में आपको सपोर्ट करता है, तो कभी भी आपको उतना ज़्यादा हवा में, मतलब बेलून की तरफ नहीं भरेगा, जो कि आप एकदम एक्साइटमेंट पे ओह क्या कह दिया कितना, ऐसा कभी नहीं कहता है। मेरा टीचर भी अभी भी मेरे सामने तो कभी भी नहीं कहता कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी कभी भी नहीं कहता है सच में। और मैं देखा कुछ कुछ लोगों को कहते हैं कि मधुसूदन अच्छा काम कर रहा है, ये वो इतने लोग ये वो कहते हैं, लेकिन मेरा सामने कभी भी नहीं कहता। तो बाहर वाला लोगों ने जब आए थे तब मुझे पता चला हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही रास्ता पे हूँ, अभी बस करना है। और एक ही चीज हो गया था सर के साथ, जैसे बच्चा और पापा के साथ जैसे रिलेशनशिप होता है, टीचर के साथ ऐसा हो गया था। मतलब मैं जब कुछ कुछ जगह, मतलब पूरी समुन्द्र के अंदर जैसे एक किसी को छोड़ दिए और कुछ किनारा नहीं उनका मिल रहा है, तब उनको ही मिला, तब लगा कि जो भगवान है या जो गार्डियंस है, मतलब गार्डियंस है या कुछ भी है वही है, और मेरे पास कुछ नहीं है, बस उसी रास्ते पर चलना है, जो कह रहे बस सुनना है बस, और कुछ नहीं, जितना गिरना है गिर जाऊंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा सोच लिया और वहीं से काम स्टार्ट किया। और मुझे बस काम करना है, सर को पास होना है और काम करना है और कुछ नहीं स्टार्ट किया। जब हम लोग काम करने का सोचते हैं तो सबका एक प्रॉब्लम आ जाता है कि फाइनेंशियल ना, ये फील्ड भी ऐसा है कि काम करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, जैसे कलर्स हो गया, पेपर हो गया, उस चीज को आपने किस तरीके से बैलेंस किया जब आपने जॉब छोड़ दिया? उसके बाद मेरा पास एकदम जो अर्न होना चाहिए था या पहले जो 2-4 क्लासेस करता था
वो भी बंद हो गया था, वो दो मैं सबको बुला के चला गया था ना कि मैं मेरा जॉब लग गया और मैं क्लासेस प्लासेस वो नहीं करूंगा मैं, वो मैं जॉब करने के लिए भाग रहा हूँ बस। ये तो बड़ा मुख से आप कह दिए, और बाद में ऐसे भी तो नहीं कह सकते। और जो चल रहा था पूरी फाइनेंशियल सिस्टम एकदम बंद हो गया, और फ्रेंड लोगों ने कुछ कुछ करके हेल्प कर रहे थे, और कुछ महीने के अंदर एक दो क्लासेस आए और मैं रीजॉइन करना स्टार्ट किए। और इतना ही चल रहा था कि इतना ही मेरे को उतना ही चाहिए था कि जितना चलने से, देखो कि एक 10 रुपीज का एक पेपर आते थे, 8 रुपीज 10 रुपीज में वो हो जाते थे, और कलर ट्यूब का उतना महंगा भी नहीं था, ब्रासेस वगैरह थे कुछ तो स्टार्ट कर दिए थे। मेरा क्या है मतलब 800 1000 मतलब 1000 या मतलब ऐसे आसपास मेरा अर्न होता था। सोचो कि दो क्लासेस दो बच्चा को कर रहा हूँ, और उससे मैं पेंटिंग करते जा रहा हूँ, साइकिल से पूरी जर्नी है, पूरी दिन धूप में, पूरी मेरा फैमिली के सब बच्चा गोरा है, मैं ही बस ऐसा डार्क स्किन रह गया, उस पर एक दिन है पेंटिंग। तो बस ऐसे ही चल रहा था, और धीरे धीरे जब क्लासेस बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ऐसा भी आर्न नहीं हुआ था मतलब 2018 19 तक बस वैसे ही चल रहा था। 19 के बैलेंस बाद क्रिएट हो हाँ गया था कि इतना हो जाए कि हाँ अपना सरवाइव हो जाए, काम का खर्चा बस निकल जाए, मेरा बाकी वही काम करना। हाँ, बस मेरा वही आजकल मतलब था जैसा मैं मुझे देखता बस हूँ, हाँ हाँ। आजकल जैसा मैं देखता हूँ, किसी को थोड़ा सा आ गया सीखने में, थोड़ा सा ABC सीख लिया है, तो उसके बाद वो सिर्फ क्लास ही करवाया जा रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ क्लास करवाना गलत है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए कि थोड़ा सा क्लास करवाओ जितना जरूरत है उसको, मतलब पूरा इतना कमर्शियल नहीं कर देना है, और उसके बाद साथ ही साथ अपना भी स्टडी चलना चाहिए। तो उस चीज के ऊपर आप कैसे बोलोगे और किस तरीके से बैलेंस करके चलना चाहिए? वही तो ना, दो दो दोनों जगह आपको आपका वो भूख रहना जरूरी है। मतलब आप ज्यादा क्लासेस वगैरह लेकर के भूख में अटक जाओगे तो मुश्किल होता है। मतलब आपका जो एक्चुअल में जहां आपको फोकस करना चाहिए, मतलब आपको ये जो हमारी जो दिमाग है, आपका जो प्लान मतलब जो काम है, मतलब इधर आपको देखना है, आपको इधर भी ऐसे ऐसे करके देखना पड़ रहा है, ऐसे करके देखना पड़ रहा है, तो तब प्रॉब्लम होता है। मतलब यहीं पे टोटल ऑलमोस्ट जो फोकस है और आपका जो बेसिक जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तब आप ज्यादा इधर फोकस करोगे तो आप फोकस से बाहर निकल जाओगे कि एक काम ही बंद हो जाएगा, आप क्लास ही करते रहोगे मतलब पूरी लाइफ टाइम ऐसा आपका क्लास ही चलेगा, धीरे धीरे काम बंद हो जाएगा, ऐसे ही होता है। मतलब सच में ये बात सही है, आज जो क्लासेस करता हूँ कि वो लिमिटेड है, हम तो बस 2 दिन क्लासेस करता हूँ, और पूरी दिन पूरी वीक को बस क्या करता है, पूरी वर्क के लिए बस छोड़ दिया है पूरी दिन। मतलब अभी भी हो रहा है कि क्लास के टाइम पे भी खुद का काम जरूरी है, पार्ट डे वन वर्क सबमिट करना है, मतलब खुद का काम करवा लेना चाहिए, मतलब खुद को काम करवा लेना चाहिए, ऐसे ही कहूंगा सबको। और फिर 2019 में ऐसे कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुआ 18-19 में, और उन लोगों ने बताया कि आप ना पहले तब वाटर कलर मार्केट भी उतना नहीं था, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है इंडिया में, और IWS इंटरनेशनल जो IWS का अमित कपूर जो अभी करते हैं, अभी थोड़ा सा मैं ऐसा सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले कुछ अलग ही था, धीरे धीरे कुछ ऐसा हो रहा है, वो ऐसा कहना भी सही नहीं है, लेकिन पहले जब मेरे टाइम जैसा था, पूरे इंटरनेशनल पूरे जितने सारे फेमस आर्टिस्ट था उस इवेंट पर आए थे दिल्ली में, और जो हुआ था इवेंट वो अलग लेवल पर हुआ था। और वहीं पे बाई चांसली मुझे श्रीतम नाम का मेरा एक फ्रेंड है जो पोर्ट्रेट बनाता है, उन्होंने कहा कि आप एक बार ट्राई करके देखो, आपका पेंटिंग सिलेक्ट करके आप ट्राई करके देखो। तो बस मैं एक बैरिकेड में था, जैसे कि एक विवेकानंद की एक स्टोरी है, एक गोल मतलब एक पॉन्ड के अंदर, छोटा एक पॉन्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉग्स रहते हैं, और उसके बाद एक बाहर आया और उनको पता चला, वैसा मेरी मेरे से भी ऐसे ही हुआ। और तब वहीं पे जब अच्छा अचानक सा मेरा अवार्ड लग गया था, तो एक खेल था शायद मुझे पता नहीं, तो अचानक सा ना एक हाई वो तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन फिलअप कर दिया भर दिया, और अचानक सा ये आया मैसेज है कि आप अवार्ड जीतने वाले हो और आप आओ। तो
तो तब एक मुझे पता नहीं था इतना दूर तक कभी जिंदगी में ना कहीं गए नहीं, हाईएस्ट डिस्टेंस तक गए कोलकाता, कोलकाता से कभी नहीं गए कहीं। तो उसके बाद एक लोग को पकड़े कि आप चल रहे तो चलो ट्रेन में चलो, ऐसे करके चल रहे हैं प्लान करके, है ना। तो स्लीपर में यहीं से दिल्ली तक गए थे, नॉर्मल सा स्लीपर में। अब सोचा खाना वाना बना के घर से गए, और वहीं से ना इतने सारे लोगों के साथ मिलने के बाद, और स्पॉट में कुछ कंपटीशन था, वाइट नाइट करवाए थे और मिस एंड गोल्ड वोल्ड वगैरह, ये सब ब्रासेस कंपनी वगैरह, ये सब कुछ प्रमोट करने के लिए ये सब कंपटीशन करवाया था। और जितने सारे कंपटीशन था सब में मैं अवार्ड मिल गया, मतलब हर एक कंपटीशन में अवार्ड मिल गया। और इतने लोगों ने खुश हो रहा था मेरा वेस्ट बंगाल पूरी टीम में ने, कि बंगाल का एक बच्चा है जो इतने सारे अवार्ड मिले। और सच में मेरा तो एक्सपेक्टेशन से बाहर, सोचा कि इंटरनेशनली एक इवेंट हो रहा है, इतने सारे लोग वर्क कर रहे हैं। वहीं से मेरा पहला जो था क्या थर्ड या फोर्थ प्लेसेस ऐसा कुछ था, वो भी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। मेरा प्राइज या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, बस अवार्ड का कुछ चीज सामान वगैरह गिफ्टेड कर रहे थे। और वहीं पे वाइट नाइट और मिशन गोल्ड का जो कंपटीशन था, स्पॉट कंपटीशन, एक टेस्ट ट्यूब से बनाने के दिए थे। तो वो ना मतलब पहले लास्ट मतलब थर्ड सेकेंड उसके बाद फर्स्ट बुला रहा था, मुझे लग रहा था कि अरे कुछ ना तो कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं बुला रहे। और लास्ट मुझे मेरे नाम बताया और स्पॉट कंपटीशन में मैं विनर हो गया। और जैसे सोचो कि नेपाल था, भूटान था, और आसपास का एरिया का सब लोगों ने वहीं पे प्लेनियर कर रहे थे, और अचानक से मेरा नाम आ गया, तब इतना खुश हो गया था। और तब रियलाइज हो रहा है कि मैं तो कुछ कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं से मेड मोड मतलब एक पैटर्न ऐसे करके चेंज हो गया। इसके लिए इतना सारा अवार्ड मिला आपको, इतना सारा अवार्ड मिला आपको, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस चीज से फिर आप आगे निकले, है ना, उसको दिमाग पे चढ़ा के नहीं रखा कि हाँ इतना सारा अवार्ड मिल गया तो मैं बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो उसके बाद उस चीज को किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। जैसे होता है कि किसी को एक बार में बहुत ज्यादा कुछ मिल जाता है तो उसको संभाल नहीं पाते, है ना, वहीं पे आगे रुक जाते कि नहीं ये बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा अब मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ। लेकिन उस चीज से आगे कैसे निकले, फिर आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस टाइम से, अभी में आपके काम में चेंजेस आ रहा है। तो क्या है ना कि एक चीज होता है कि आपका वही चीज बता रहा था ना कि बहुत कुछ टैलेंट रहते हैं कुछ कुछ बच्चे के अंदर, और वो लोग फंस जाते हैं बीच में, कि उनको रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि हाँ मैं तो बहुत कुछ हूँ। हाँ बहुत कुछ हूँ ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको और भी आगे बढ़ने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कितना आगे तक हो गया। ऑलमोस्ट एक ऊंची पहाड़ तक आपको पहुंचने के लिए ऊंची पहाड़ को आपको पहले देखना चाहिए या समझना चाहिए कि हाँ इतना ऊंचा हो सकता है, तब आप वो पहाड़ की तरफ आप खुद को तो नहीं प्ले कर सकते ना, कि हाँ सोच सकते कि हाँ इतना ऊंची हो सकता है और मुझे इतना जाना है। और इतने के लिए आप, और एक चीज होता है कि इस सोशल मीडिया मार्केट में या बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने रहते हैं अच्छे के लिए, उन लोगों ने खुशी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप फंस भी सकते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपको ऐसे ऐसे बात करेगा या ऐसे ऐसे बात कह दिया जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो कुछ अलग है, लेकिन आपको ये जो रियलिटी है ये पता होना जरूरी है, नहीं तो सच में आप गिर जाओ, किसी ने रुक नहीं सकता। और आपका थॉट वही रहना चाहिए कि हाँ मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो ऐसे करके सीखना है, ऐसा नहीं कि हाँ मैं सीख गया ऐसा 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 नहीं, ठीक है। और उस टाइम पे वो जो अमित सर को मैं बहुत सारे थैंक यू कहना चाहूँगा कि उस टाइम पे ऐसा इवेंट मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। और उस टाइम पे मैं रियलाइज कर रहा था कि मतलब जो लोगों को सोशल मीडिया पर देख रहा था, जैसे कि निशिकांत जी और जैसे बहुत सारी लोगों ने ना सोशल मीडिया पर अच्छा काम कर रहा था, उसके टाइम में तो बराबर काम तो नहीं कर रहा था, उन लोगों का काम अलग था, मेरा नेचर स्टडी था और उन सब लोगों ने प्लेनियर कंपटीशन पर था। और उस जगह से जब ये सब हो रहा है तो
तब थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि हाँ आप कर सकते हैं, अब करो, ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तब लगा कि बैरिकेड से बाहर निकल चुका हूँ और करना स्टार्ट किया। और एक साल के अंदर ऐसा कुछ काम हो गया, 2019 का एंड टाइम में एक कोलकाता में एक एग्जीबिशन हुआ जो कि हंगामा मचा दिया। मतलब पूरी 5 लोगों ने मिलके एक एग्जीबिशन किया था, वो कुछ अलग लेवल पर हो गया था। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे ऐसे करके बढ़ना स्टार्ट हुआ और उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उसके बाद काफी सारी कैंप वगैरह छोटा छोटा करके वर्कशॉप के लिए ये वो स्टार्ट हुआ और खुद का एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और बीच में लॉकडाउन आ गया। उसके बाद लॉकडाउन के साथ साथ कंधों पर हाथ रख के चलना स्टार्ट किए। और आज लॉकडाउन कैसा रहा आपके लिए? लॉकडाउन काफी डिफिकल्ट था। अच्छा, और एक चीज की अर्निंग भी बढ़ गया था बीच में कि मैं काम करते करते ना वो आपका ऑटोमेटिकली ये सब हो ही जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा अर्निंग कैसा होगा, क्या होगा, कैसा नहीं होगा। तो काम करते करते मेरे तो इतना ज्यादा कुछ ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इतना हो गया कि मैं बाइक वगैरह 2-3 चेंज कर लिया और घर में भी ये वो करना स्टार्ट किए। और धीरे धीरे ऐसा होना स्टार्ट हो रहा था और जैसे सिस्टम चल रहा था, बीच में लॉकडाउन हो गया और मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था पेपर वगैरह। बस कुछ कुछ गार्डियंस मेरा बहुत सपोर्टिव था, जो लोग नौकरी करते थे उन लोगों को सैलरी मिलता था तो उन लोगों ने कुछ कुछ करके मुझे भेजते थे, उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच। और धीरे धीरे वैसा जर्नी चल रहा है अभी तक। और अभी कुछ सालों से हिस्ट्री जब पढ़ना स्टार्ट किए, मतलब वो सब होने के बाद, उससे पहले तो कभी हिस्ट्री का नॉलेज ही नहीं था। हिस्ट्री भी होते हैं और पूरी वर्ल्ड पर इतना कुछ हो गया, मुझे सच में पता नहीं था। और किसी ने बताते थे, शहर लोगों ने बताते थे कि हाँ सार्जन था, ये था, वो था, है ना। तो तब लगता था कि टांडा नाम का कोई है, ये वो इतना कुछ स्ट्रगल किया है, वैन गोग है, ये वो है, ठीक है। तो सुनता था कि मैं क्या करूं। और उन लोगों का इतना एब्स्ट्रैक्ट, और मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं, इतना इम्प्रेशन था उनके वर्क के अंदर कि वो समझने के लिए वो उस लेवल तक नहीं, कुछ ज्ञान रहना चाहिए, तब उन लोगों का काम आपको समझ में आएगा। तब लगता था, लगा के तो रखते थे लेकिन देख के लगता था अरे वो कोई काम है क्या, ठीक है, ठीक है और क्या, ऐसा लगता। धीरे धीरे वो जब पढ़ना स्टार्ट किए, जब समझने की कोशिश किए और धीरे धीरे पता चला, तब लग रहा है कि भाई ये जो कर रहा हूँ ये बस बच्चों का खेल था इतना दिन। तो वैसे कोई ऐसा आर्टिस्ट हिस्ट्री से जो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता हो, जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो? मैं अभी भी मैं जैसा अभी लगता है कि वो जिंदा रहते तो मैं एक बार पास होके आते, मतलब मन करता है कभी कभी। सार्जेंट नाम का एक आर्टिस्ट है जिसके बारे में मैं पिछले क्या कहते हैं 3-4 साल, ज्यादा नहीं 3-4 साल, स्टडी भी नहीं अच्छे से किए थे, बस अच्छा लगता था पेंटिंग देख करके। और धीरे धीरे उनका लाइव चलना स्टार्ट किया, उसके बाद पेंटिंग देख के अच्छा लगा उसके बाद। और वो वैसा नहीं कि पूरी एब्स्ट्रैक्शन पे काम करते थे, और ऐसा नहीं कि पूरी रियलिस्टिक है, सेमी रियलिज्म और इम्प्रेशन था। और इसीलिए उनका काम देख करके ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। और धीरे धीरे उनका काम देखना स्टार्ट किए तो देखा कि हम लोगों ने सोचता है ना कि हम, मैं लैंडस्केप आर्टिस्ट हूँ, जो अनुपम भाई मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मैं एक लैंडस्केप आर्टिस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो हो गया ना वर्ल्ड पे, हिल जाओगे, मतलब सच में, मतलब वर्ल्ड पे क्या कहो, मतलब सार्जेंट एक पर्टिकुलर, जैसे नेचर होता है, नेचर एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वैसे सार्जेंट एक पर्टिकुलर एक लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आर्टिस्ट नहीं है। हर एक चीज लेकर के इतना एक्सपेरिमेंटली वर्क किए हैं
और इतना खतरनाक वार किए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ आर्टिस्ट के साथ बात करके बाद में पता चला, प्रमोद कुलकर सर के साथ काफी बातचीत हुआ था बीच में, बीच में काफी मतलब कि कानपुर में ही बात हुआ था। उन्होंने कह रहा है कि मैं दो आर्टिस्ट को फॉलो करके इतना कुछ ले लिया और कुछ नहीं, कुछ कुछ मतलब किसी साइड से मैं नहीं देखा, और उसमें सर्जेंट था। और अब सोचो कि किसी ने एक चीज लेकर के इतना दबा दिया तो उनका ये सब चीज। और दूसरे आर्टिस्ट कौन थे? और एक ये आपका क्या पैलेट, जॉन जॉन, हाँ 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 जॉन पैलेट जो है, अरे नाम क्या ना, ओ हो एंड्रयू जॉन, एंड्रयू जॉन। तो बस देखो दो तीन आर्टिस्ट का किताब उन्होंने पढ़ते थे और उनका पेंटिंग देख करके ऐसा कमल का कुछ बनाते थे। आप सोचो कि इतना सारा रिसर्च किया उन्होंने, वो क्या चीज था। वही जब सोचता हूँ ना और भी दिमाग फट जाता है। और उनका हम पहले ना हल्के में लेते थे उनको, क्योंकि वाटर कलर देखता था हाँ ठीक है, लेकिन जब और भी मैच्योरिटी बढ़ते जा रहा है ना, और भी डेंजरस उनके एक असर पड़ रहा है मेरे ऊपर। हर एक ब्रास का स्ट्रोक, इतना कॉन्फिडेंट वर्क, आप सोचो कि दो लेयर पे काम कर रहे हैं उनका, ऐसा नहीं कि पैचेस दिखेगा ये वो। और पानी के ऊपर ऐसा पानी फील हो रहा है, और अंदर का स्टोन भी है, और ऐसे लाइट भी पड़ रहा है, और वो वन स्ट्रोक के अंदर पूरी पूरी ऐसे ऐसे करके हिल रहा है पानी, ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, पूरी फील आपको हो रहा है। और इतना कॉन्फिडेंट के साथ एक ही स्ट्रोक में ऐसे करके टंग, मतलब और ज्यादा नहीं है, ऐसे करे बस इतना ही, ऊपर नहीं नीच नहीं, इतना बैलेंस। आप सोचो कि वाटर कलर की मैं बात कर रहा हूं तो इतना खुश हो रहा हूं, ऑयल की बात करो तो ऑयल का लोग तो पागल हो जाते हैं, मतलब क्या कहो, हर एक चीज के अंदर स्केच लाइनिंग ये वो खतरनाक। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है जो जिन लोगों ने काफी काफी मेहनत की है। बस मैं सार्जेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे इतना कुछ हो गया। और इंडिया में एक्चुअल में जो हुआ था पहले से ना एक टाइम के बाद, इंडिया को मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इंडिया वालों ने इतना नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम के बाद इतना तो स्टडी करते थे तो और भी डेंजरस कुछ कर सकते थे, जैसे कि वेस्टर्न एरिया में इतना डेंजरस कुछ उस टाइम पे हो रहा है, और किताब भी मिल रहा था मुझे जितना तक पता है कि आप सोचो कि ठाकुरबाड़ी में वेस्टर्न आर्टिस्ट रविंद्रनाथ टैगोर को, अवनींद्रनाथ टैगोर को सिखाने के लिए आते थे, कुछ मीडियम्स सिखाने के लिए, कुछ टेक्निकली चीज़ को सिखाने के लिए, इवन वेस्टर्न ब्रासेस भी आते थे उस टाइम पे। विंसन न्यूटन का रविंद्रनाथ टैगोर वाटर कलर यूज कर रहे हैं, आप सोचो। तो इतना सब आ रहा है, मतलब कि किताब भी इजीली आ सकते थे और बहुत कुछ हो सकता था उस टाइम पे। लेकिन हम लोगों को लगता है हाँ इंडियन एक क्लासिकल एक अलग ही पहचान बनाते हैं ये वो, लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम पे और भी खतरनाक कुछ हो सकते थे। क्योंकि जैसे कुछ आर्टिस्ट को मैं देखता ना कि लाइन लेकर के इतना खेल खेल है, तो आप सोचो कि लाइन लेकर के कलर लेकर के इतना खेल खेल रहा है, तो और भी अच्छा कुछ इंडिया वालों को सरप्राइज दे सकते थे वैसे मुझे लगता है। और मेरा अभी बस टारगेट ये है, मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था अभी, बस जिंदगी से मरने से पहले कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो कि सब जग जाए, मतलब कुछ कुछ करे, खुद लोग कुछ करे, सब मिलके कुछ करना स्टार्ट करे, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया, इतना कुछ है आज के टाइम। जितना हम सब लोग ना टेक्निकली चीजों को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ तो तब उतना ही हम लोग का दिमाग का जो प्रोसेस है उतना छोटा होते जा रहा है। तो उससे पहले उनको सबको समझ में आ जाए कि कितना आप सोते रहोगे, मतलब आप जागो, नहीं तो काफी लेट हो जाएगा। क्योंकि आप
आप सोचो कि आज के टाइम हम लोगों के पास एक कैमरा आ गया, मोबाइल आ गया, किसी चीज अब मुझे अच्छा लग रहा है, पोपर्सन को अच्छा लग रहा है, क्या करते हैं, खींचना स्टार्ट करते हैं। उन लोगों ने क्या करते थे कि एब्जॉर्बेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, और इतना स्किल था, आप सोचो कि ट्रैवल पीरियड एक सर्जन का चल रहा है, उस टाइम पापा के साथ घूमने गए और वहीं पे फिगरेटिव लेकर के छोटे छोटे स्केचेस ऐसे किए जो कि स्टोन कर्विंग कर रहा है और ऐसे हटा रहा है, रास्ते को क्लीन कर रहा है, ये वो रस्सी। तो कैसे प्रोपोर्शन को ड्रॉ कर रहे हो, तो हार जा रहे हैं, तो क्या कैसे पॉसिबल है? उसका रीजन है कि एक टाइम हम सब ने सुना होंगे कि मतलब काफी मतलब 100 साल पहले ऐसे होते थे कि पुथि नाम का ऐसा होता था कि कुछ पढ़ना है या कुछ ये है, पुथि ज्ञान को और भी ग्रो करना है, तो सुन सुन के एक बताते थे, उन्होंने सुन लिया और वो हजम कर रहे, मतलब वो दिमाग में पूरी बैठा लिया कि ये है वो है, पूरे दिन के बाद दिन मतलब ऐसे बात होते थे और उन्होंने स्टॉप कर देते। मतलब क्या आज के टाइम एक बार रीडिंग देने से उनको समझ में नहीं आता आज के टाइम का बच्चे को, क्यों? इसका रीजन है कि हम सब टेक्निकली हो गया, हम सब वो थॉट तो है लेकिन यूज नहीं करते करते ना वो शॉर्ट होते जा रहा है और ये अटेंशन स्पेंड कम हो रहा है सबका। हाँ हाँ मतलब ऐसा होते जा रहा है और इसका मतलब क्या कहते हैं, उस टाइम पे होते थे, अभी नहीं होने की रीजन वही है और कुछ नहीं। आप सोचो कि एक फिगर को एक बार देख लिए, प्रोपोर्शन को देख लिए, वो इजीली वो ड्रॉ कर भी लिए और उनका एब्जॉर्बेशन स्किल इतना ही था, कलर प्रोपोर्शन सेंसेशन इतना स्ट्रांग था, वो पूरी पेंटिंग को खत्म भी कर सकते हैं। आप सोचो कुछ ऐसा पेंटिंग्स है, लाइव बनाना इतना पसंद करते थे सर्जन कि एक पेंटिंग को 3 साल तक एक ही वेदर को पकड़ने के लिए एक लिली क्या एक लिली एक पेंटिंग का नाम था, वो दो बच्चा लड़की है और उनका एज इतना बढ़ गया, मतलब बच्चे लोग बच्चा लड़की का जल्दी से जल्दी ग्रो होता है और इतना बड़ा हो गया कि लास्ट टाइम पेंटिंग के साथ दोनों का कोई मिलजुल नहीं है और एक ही टाइम एक सीजन था जो इस टाइम पे एक इवनिंग टाइम से पहले मतलब वो 30 मिनट्स करके मिलेगा, मतलब वो पेंट करने की वो वेदर को कैप्चर करने के लिए, और लाइव करना इतना पसंद करते थे कि 3 ईयर्स तक वो एक ही पेंटिंग करते जा रहा, मतलब उसी टाइम उसी वेदर और उसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए दो लड़की को लेके आते थे, फिर करते थे ऐसे करके, तो एक स्ट्रगल है ऐसे ऐसे करते थे और इतना करना भी चाहिए। आप सोचो कि हम लोगों ने जो कुछ भी हमारे हाथ पे मिल जा रहा है अभी, जैसे कि ब्रास का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई कमी नहीं है, कलर का कमी नहीं है, जितने सब बच्चे अभी कर रहे हैं किसी का कुछ कमी नहीं है, लेकिन एक ही चीज कमी है जो कि भूख, वही कमी है। एक एक लाइव आप पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग फट जाएगा कि क्या किए हैं, और आप सोचो कि फैमिली छोड़ दिए, वैन गॉग का लाइव आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई वो जो किए हम लोगों ने क्या, हम लोग तो रिलैक्स में जी रहा हूँ भाई, खाना खा रहा हूँ, आराम से पेंट कर रहा हूँ, मैं मोबाइल में इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देख रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी तो नहीं है। और सोचो कि एक एक सिचुएशन उन्होंने ऐसे ट्रेवल किए कि खाना खाने की पेंटिंग करने के लिए उनका भाई के साथ मतलब ऐसे करके ये करना पड़ रहा है और बीच बीच में गुस्सा हो रहा है, काफी सारी चीज मतलब ऐसे देखने के बाद लगा कि अब फैमिली छोड़ के आ रहा है, बीवी बच्चों के साथ पूरी रिश्ता खत्म, मतलब ऐसा होता है कि भाई ये सीन है, मुझे करना ही है, मुझे ये सैक्रिफाइस करना है पेंटिंग के लिए, तो हम लोग क्या, कुछ तो नहीं है। टांडा की लाइव देखो कि वो बस के लिए एक सीप के ऊपर खुद को रस्सी देकर बांध लिए, सोचो वो लोग जब उस लेवल पे काम बस करते उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो लोग उस लेवल पे काम करते थे तब भी इतना स्ट्रगल रहा। हाँ तो बस हम लोगों ने क्या, बस रिलैक्स जी रहे हैं, बस सोना है, उठना है,
सुबह रिलैक्स करके दो सिगरेट फूकना है, बस पेंट करना है, मतलब आज के टाइम का बच्चे के जो स्टाइल है यही तो कर रहा हूँ हम सब, और क्या। लेकिन वही ना कि और इसीलिए ना काम करने से पहले एक चीज, पूरी दिन में मास्टर वर्क देखना स्टार्ट करो, पूरी दिन में 20 मिनट्स से 30 मिनट्स आप मास्टर वर्क देखना स्टार्ट करो, या मास्टर वर्क को स्टडी करने से पहले आप उनका लाइफ को जानो, जानने की कोशिश करो। इंटरनेट पर अवेलेबल है, अब PDF मिल जाएगा अवेलेबल, आप वहीं से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या वीडियोस भी बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है, आपका आपको बस समझना है तो बस आप जुड़ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही प्रॉब्लम है आज के टाइम पे इस सबको। करंट में अगर देखा जाए तो इंडिया में से आपको कौन से आर्टिस्ट थोड़ा इंस्पायरिंग लगते हैं, जिससे आप थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हो? एकदम एकदम, इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनका टैलेंट है, जो मतलब आज के टाइम पे मुझे तो लगता है कुछ कुछ बच्चा ऐसा है, मैं उसका लेवल पर, मतलब उसका टाइम पर जैसे था बिल्कुल भी उतना मेरा स्किल नहीं था। मेरा एक छोटा भाई है, वो इस बार वो हाई सेकेंडरी कंप्लीट करके वो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में पढ़ रहा है, मतलब इसी बार पे चांस मिल गया, वो मेरी लाख है वो मिल गया। लेकिन बात यह है कि उनका टाइम पे मैं जैसा था, जो स्ट्रगल करना पड़ा, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वो भूख रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भूख नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा। वही तो सीन है कि हर बच्चे को अंदर भूख रहना जरूरी है, नहीं तो खत्म हो जाएगा, और उनको पता भी नहीं है कि क्या हो सकते क्या नहीं। और आपके पास तो सब अवेलेबल है, जो आप सोचो कि हम लोगों के पास, उस दिन आप बता रहे थे ना कि हम लोगों के टाइम ऐसा था कि पेपर, अच्छा कोई कॉटन पेपर पे काम कर रहा है या ये वो काम कर रहे हो, देख करके ऐसा लगता था कि कभी भी मुझे ऐसा मिले तो कभी इतना करूंगा। लेकिन हमारे पास अब सब अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि मैं काम ही नहीं करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ये सही नहीं है। बस आपके पास सब अवेलेबल हो गया आज के टाइम पर, सब बच्चों के पास ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं वाटर कलर नहीं खरीद पा रहा है, ये वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आता है कि मैं इतना एफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना एफोर्ड कर पाऊंगा, आप प्लीज क्लास करवाइए। तो मेरी तरफ से जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ। तो वैसा ना किस हर एक आर्टिस्ट के पास उतना ही मेंटेलिटी रहते हैं कि भाई आप करना है तो कुछ भी करके आप कर लोगे, आप स्टार्ट करो सब हो जाएगा, वही कहूंगा और क्या। क्या कहते हो अनुपम भाई, आप बताओ। बस यही और क्या, यही होता था, मैं भी ये सोचता था एक टाइम पे, सोचता था कि जब ऐसा स्पेस होगा तो और काम करेंगे, ये कलर होगा तो और काम करेंगे, अभी सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम कम हो गया, जितना होना चाहिए, पहले से ज्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन जितना होना चाहिए था और ज्यादा हो सकता था। अभी 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 अब थोड़ा चेंजेस आ रहा है जब से मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। आपने बोला कि देखना चाहिए काम, मैं और एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल है किसी के लिए तो किताब से पढ़े, वहाँ पे जो प्रिंट का क्वालिटी होता है थोड़ा अच्छे तरीके से होता है। जैसे हम लोग इधर उधर बाकी आलतू फालतू चीजों में पैसा खर्चा करते थे, अगर हम लोग कहीं भी जहाँ पे बुक्स मिलता है, जैसे अगर कोई कोलकाता में है तो यहाँ पे कॉलेज स्ट्रीट में पुराने बुक्स मिलते हैं, दिल्ली में कोई है तो दिल्ली में भी एक एरिया है जहाँ पे पुराने बुक्स मिलते हैं, हर जगह एक, हर शहर में एक छोटा सा, जैसे मेरा छोटा सा शहर है धनबाद, उसमें भी एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पुराने किताब मिलते हैं, पुराने बुक मिलते हैं बहुत कम रेट में। तो ये कलेक्शन करने का एक आदत रखना चाहिए, कहीं भी जा रहे हैं बुक स्टोर तो एक छोटा सा बुक खरीद, समय रहेगा तो कभी उसको पलट के देखने से थोड़ा सा चीज बेटर तरीके से समझ में आता है। एकदम एकदम, किताब से एक अलग फील होता है, जैसे कि ऑनलाइन देख करके आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक अलग टाइप का होता है, और किताब का एक अलग ही एक एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, और पढ़ने की अलग ही ये होता है, और पेंट आपको एकदम रियल जैसा लगेगा, पेंट देख करके, कुछ पेंटिंग देख करके वो इसके साथ साथ कुछ अलग ही एक ये होता है। तो अनुभव भाई सही कह रहे हैं, आप किताब खरीद सकते हैं, आप तो घर में ही बैठ के बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना सकते हो। नॉर्मली जो बनाता है घर में बैठ के बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, लेकिन उसके बाद भी जैसा आपने बोला कि आप घर में सबसे काले हो गए हो क्योंकि बाहर जाके काम करते हो, तो क्या डिफरेंस है, मतलब घर में काम करना बाहर जाके काम करना,
बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है बाहर जाके काम करना, और अगर वही चीज आप फोटोग्राफ से करोगे घर में तो और ज्यादा मे भी खूबसूरत तरीके से बना सकते हो, लेकिन फिर क्या डिफरेंस आ जाता है, क्यों बाहर जाना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। देखो एक चीज होता है, जैसे कि हम लोगों ने एक छोटा छोटा करके रियलाइज कभी भी किए हैं, कुछ आर्टिस्ट को हम लोगों ने देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ फोटोज में ये वो, उसके बाद किसी के साथ डायरेक्टली आप मुलाकात किए तो देखो कि अलग एक महसूस होता है। बस थ्री डायमेंशन एक मॉडल को देख रहा है ऐसा नहीं, उससे कुछ मिलता है जो मुझे तो लगता है उससे एक फ्रीक्वेंस एक अलग निकलता है और वो आपको अच्छा है तो अच्छा फ्रीक्वेंस मिलेगा, गुड पॉजिटिव थॉट मिलेगा। और कुछ कुछ लोग होता है पॉजिटिव लगता है दिखते नहीं है, और कुछ कुछ लोग होता है नेगेटिव थॉट पर लेके जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं आराम से रिलैक्स। तो होते क्या है, मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ कि फोन में बात किए मैसेज किए और ऑनलाइन में देखे वो कुछ अलग है, लेकिन जब डायरेक्टली बात किए और पास में गए कुछ अलग ही सीन है, मन करता है कि एक बार हक करूं उनको। नेचर को हम सब फोटो में वैसे ही दिखता है, ऑनलाइन वाला सीन एक फोटोग्राफ्स देख करके आप बना तो सकते हैं लेकिन उसका एक टाइम है। जैसे होता है कि एक बच्चों के लिए रीडिंग पढ़ने से पहले उनका बेसिक से वो फंडामेंटल जो पार्ट है वो सब पहले सीखना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उनके लिए इजी होगा, वैसा तब वो कर लेगा कि हाँ वो वैसा है, वो कुछ बताया उससे एक स्टोरी लीक करके वो बता सकते हैं। नेचर में क्या होता है, आज के टाइम जो होता है बुरा वाला जो सीन चल रहा है अभी मेरा बहुत खराब लगता है, बहुत बहुत बुरा लगता है। आज के टाइम पे काफी सारे लोगों ने जो कुछ भी मीडियम पर जो कुछ भी सिखा रहा है सब ना क्लास तो करवा रहा है, अच्छा बात है, अच्छा करो, अच्छा स्किल है, लेकिन भाई प्रोमोट करो ऐसा, सब बच्चों को यही समझाओ कि आप कुछ भी मॉडल स्टडी कर रहे हो या मॉडल का फोटो स्टडी कर रहे हो तो मॉडल को पहले उनको इंट्रोड्यूस करो कि ऐसा सीन है, इसके साथ ऐसे कनेक्ट करना चाहिए, उसके बाद समझो ये दोनों का क्या सीन है, उसके बाद आपको रियलाइज होने के बाद वो बस आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्या सीन है, क्या होता है, क्या थॉट होता है, उसके बाद एक फोटोग्राफ देख करके वहीं से तब कनेक्ट करना मतलब और भी इजी हो जाएगा। उसे डायमेंशन वाला फील है, डायमेंशन तो आपको नहीं मिल रहा है, आपको मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन तो एक 2D सरफेस में देख रहा हूँ, ऐसे 3 डायमेंशन नहीं मिल रहा मुझे। और 3 डायमेंशन देख करके उठाना, आप एक पेंटिंग से सोचो कि एक पेंटिंग से आप पेंटिंग कर रहे, अब जब 3 डायमेंशन देखोगे डायमेंशन से एक पेंटिंग करना वो एक अलग ही बात होगा, अलग ही एक्सपीरियंस होगा, हर टाइम चेंज होगा, वो डिस्टर्बिंग्स होगा, एक वेदर महसूस होगा, हम सबकी स्किन पे एक महसूस होगा, एक रिलैक्स टाइम तो रिलैक्स फील होता है, अंदर से फील होता है, माइंड पे एक पे आता है कि हाँ रिलैक्स है भाई रिलैक्स, तब ना पेंटिंग में वो रिलैक्स दिखता है। हम ऐसा नहीं कि मुझे कुछ टेक्निक्स पता है मैं कर दिया मसाला डाल दिया और हो गया, ऐसा नहीं, वो ऑटोमेटिकली एक थॉट आएगा अरे यार क्या रिलैक्स है, दिख करके आके एकदम अचानक से शांत हो गया, ये जो फील है ना ये आप पेंटिंग में एक प्रोसेस नहीं कि ऐसे करोगे तो ये फील आ जाएगा, ये आपको अंदर एब्जॉर्बेशन की ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करोगे। उसके बाद क्या होगा कि एक होते होते ना एक अंदर से एक ऐसा हो जाता है कि पेंटिंग में आप घुस जाते हो, नेचर में घुस जाते हो, और 2 मिनट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आपको पता ही नहीं कि आप पेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। काफी बार ऐसा होता है बच्चे के साथ, ऐसा आप बस रियलाइज करो, कभी कभी ऐसा होता है सबके साथ, जब ऐसा घुस जाते हैं ना वही सीन क्रिएट होता है जो आपका मन में चल रहा है, जो आपका पूरी एटमोसफेयर चल रहा है, पूरी ऐसा पूरी इन्वायरमेंट जो हो रहा है वो आप पूरी कनेक्ट कर चुके हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, और उसके साथ साथ आप पूरी ब्रास
ये वो कुछ भी पता नहीं, क्या कलर मिक्स कर रहे हो, कहां क्या स्ट्रोक लगा रहा, कुछ पता नहीं, वो अंदर से आ रहा है, वो जो सीन अपने आप चलते जाता है, अपने आप हाथ चलते जाते। हाँ, कभी कभी मैं कुछ पेंटिंग्स ऐसे करके लगा के रखता हूँ ना, कि संडे से ये संडे तक, तो कभी कभी मैं सो के मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ पेंटिंग्स मुझे पता ही नहीं था कि मैं जो किए वो जानबूझ के कभी भी नहीं किए, और जो हो गया वो कहाँ से आए, वो फिर से रियलाइज हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है, फिर वहीं से स्टार्ट होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो नेचर के पास जाना है, दो इंग्लिश या हिंदी वर्ड से एक हिट गाना सुनना है, काफी सारे बच्चे होता है आज के टाइम, दो बीड़ी फूकता है, सिगरेट फूकता है, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी है अल्कोहल भी लेके जाते हैं, मतलब कुछ कुछ लाइव देख रहा हूँ ना कि धंग, मतलब ऐसा पूरी उनका सर्वनाश हो रहा है, और मैं लाइव, मुझे सब पता है। नेचर कनेक्ट करने के लिए ये सब आपको आवश्यक नहीं है कि आपको अच्छे गाना सुनना चाहिए, आप क्लासिकल या कुछ ब्लैंक म्यूजिक सुनने से भी चलेगा, मतलब कुछ नहीं, अदर्स म्यूजिक जो डिस्टर्बिंग्स हो रहा है उसको ब्लैंक कर दे और घुस जाओ आप, बस इतना ही करने से होगा। ऐसा नहीं कि हिंदी एक बीट होना चाहिए झिंचक, वो झिंचक मूड ही आ जाएगा, मतलब आपका पेंटिंग के अंदर झिंचक ही होगा, और ये सब सीन क्रिएट होता है। और मुझे ये सब बिल्कुल भी पता नहीं था, जब आप एक सीन सुनो कि कुछ कुछ स्टोरी हम सब सुनते हैं, कुछ कुछ स्टोरी पढ़ते पढ़ते ना शब्दों में घुस जाते हैं, जो शरद चंद्र का या ऐसे सत्यजीत, मतलब काफी सारे ऐसे बंगाल की, ऐसे मैं जितना सारा बंगाल का पढ़ता हूँ उनके बात कर रहा हूँ, कि उनका कुछ कुछ शब्द है, शब्द के अंदर इतना नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, और पढ़ते पढ़ते ऐसा घुस जाओगे कि नेचर में आप एक मिट्टी का एक रास्ता है, वहीं से आप जा रहे हो, और आपका पत्ते की वो साउंड भी सुनाई दे रहा है, उनका शब्द में इतना पावर है। अब सोचो कि आप विजुअली आप दिखा सकते हैं, आप मतलब घुस जाते हैं ना, तो वो मतलब शब्द में हो सकता है, पेंटिंग में तो ऑब्वियसली हो सकता है, तो उसके लिए उतना कनेक्ट करना भी जरूरी है, उतना कनेक्ट करना भी जरूरी है, वो उसके लिए आपका साइलेंस रहना भी जरूरी है। मैं हर टाइम ऐसा नहीं कि हर टाइम कैंप पे जाके ही पेंट करता हूँ, मैं खुद कभी कभी अकेला निकल जाता हूँ खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम जाए, कम लोगों के साथ मुलाकात हो, और मैं खुद नेचर के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, इसीलिए कभी कभी निकल जाता हूँ, तब मुझे 100% श्योर है कि मेरा 10 पेंटिंग्स बनेगा तो 8 पेंटिंग जबरदस्त हो, 100% श्योर। उसका रीज़न यही है कि मैं अच्छे तरीके से कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किए उनके साथ, मतलब नेचर के साथ, और नेचर एक ऐसा मदरबोर्ड है जो सब सिखाता है, जो साधु है उन्होंने भी नेचर के साथ ही कनेक्ट कर रहा है, जो सिंगिंग करता है उन्होंने भी नेचर के साथ कनेक्ट कर रहा है, सब गाना है, आर्टिस्ट है, सब नेचर के साथ, जो हम सब नेचर की हो, और हम सब जितना नेचर से बाहर करके रखूंगा उतना ही हम लोगों के लिए हानिकारक है। और इसके लिए मुझे तो लगता है कि लाइव करने से वही, मतलब काफी सारी चीज आएगा, आप धूप पे हैं, काफी मतलब पसीना आ रहा है इधर उधर ऐसे करके, आप पूरी पजल हो जा रहे हो कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो पजल वाला फील आएगा पेंटिंग में, वो होते हैं, वो दिखते हैं, वो ऐसा फील हो ही जाएगा, क्रिएट हो जाता, तो इसीलिए लाइव का एक्सपीरियंस काफी जरूरी है। इसीलिए टर्नर ने रस्सी में बांध के सीप के ऊपर खुद को बंध के रखे थे, इसका रीजन वही था कि लाइव फीलिंग जब तक नहीं आएगा, अब लाइव पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और फीलिंग को एब्जॉर्बेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, अब नेचर में जा रहे हो तो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है, ये जरूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है। देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग को देखने भी नहीं आता, सबसे पहले तो बनाएंगे तो बाद में, पहले तो देखना सीखना चाहिए कि कैसे देखा जाता है चीजों को।
हाँ देखो कि आपका जैसे कि सेकेंड मतलब हाई सेकेंडरी के बाद ना सब बच्चों को लगता है कि कॉलेज में पढ़ना है, लड़की लोगों के साथ बात करना है, स्मोकिंग करना है, फ्रेंड लोगों के साथ पार्टी में जाना है, ये वो। ये ना एक दिमाग का थॉट होता है, आपका थॉट क्या है थॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आपको पेंटिंग अच्छा करना है, हर टाइम दिमाग में चलेगा, तो आप पेंटिंग में क्या क्या हो गया वो आप समझने की भी कोशिश करना स्टार्ट कर दोगे वहीं से। और उस लेवल का पेंटिंग आप देखना भी स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे पढ़ना भी स्टार्ट करोगे। अलग अलग नेचर कनेक्टेड जितने सारी लोग हैं जो नेचर को लेकर के इतने सारी शब्दों में एक्सप्लेन किए हैं वो भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो तब धीरे धीरे ना आपका दिमाग ना एक अलग थॉट बनेगा। जैसे मैं कहता हूँ हर बच्चे को जो कि आप अंदर से ना एकदम ब्लैंक कर दो। ब्लैंक मतलब कि आपके अंदर जो गुस्सा है किसी को देख करके आपको ल्यूसन होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, आप किसी को देख करके आपको गुस्सा आता है, ये सब पूरी अंदर फेंक दो। आप खुद को जितना ब्लैंक करके रखोगे नेचर को उतना एब्जॉर्ब कर पाओगे, आपका दिमाग में ज्यादा बिजनेस प्लानिंग चलेगा, तो तब ना नेचर उतना ही डिस्टेंस भागते जाएगा। जितना आप लोगों के साथ मतलब क्या कहते हैं, आप जितना लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे नेचर को भी उतना ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपके मतलब सबके लिए वही कहूंगा कि जितना हो सके वो एकदम जनरली जो एकदम आम आदमी का जैसे लाइफ होता है सिंपल सा, वैसा आपके जो भी है आपके हाय तो आपको तो कोई किसी ने नहीं कह रहा है कि हम हमको दे दो, लेकिन आप नेचुरली नेचर की जैसे बिहेवियर होता है, आप जब नेचर में जाते हो किसी नेचर ऐसा कहता है यार क्यों भाई यहीं पे हो भागो कहीं से, ऐसा कोई नेचर में तो नहीं कहता है, तो आपका भी नेचर की तरफ आपका बिहेवियर होना चाहिए। तब तो धीरे धीरे आपका भी नेचर के साथ उतना ही कनेक्ट होते जाओगे। और पढ़ना सीखना ये तो हर टाइम चलना चाहिए सबको, और धीरे धीरे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो ऑटोमेटिकली होता है और मैं तो ऐसे ही करता हूँ और आज भी मैं सीखते रहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इतना कुछ मुझे पता नहीं था 2 ईयर्स पहले 3 ईयर्स पहले, और आज ऑटोमेटिकली कितना कुछ आ रहा है, तो और भी 4 साल बाद कितना कुछ और भी डेवलप होगा, और 4 साल बाद फिर रियलाइज होगा कि और भी कितना कुछ सीख सकूँ। तो हर टाइम ये ऑटोमेटिकली चलेगा, तो आपको पहले से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो हूं बस उतना ही, बस वो मिट्टी की तरफ और कुछ नहीं। क्या कहते जा रहे हो, ठीक है और आप बताओ मुझे। पहले पहले भी जाते थे आउटडोर करने के लिए, अभी भी जाते हैं आउटडोर करने के लिए? ऑलमोस्ट आप रेगुलर जाते हो, है कि नहीं? ऑलमोस्ट आप डेली जाते हो आउटडोर? स्किप होता होगा कभी कभी? देखो मैं तो कोशिश करता हूँ कि रेगुलर काम करने की, और काम करवाने के लिए काफी कुछ टेक्निक्स करके रखे कि मुझे हर एक डेली एक वर्क बनाना चाहिए, नहीं तो आपको खुद को फाइन भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा मतलब छिड़ मतलब फाड़ना पड़ेगा 200 को, ये वो, मतलब छोटा सा काम भी होगा चलेगा। मैं इसीलिए क्लासेस टाइम पे क्या करता हूँ कि स्केचबुक लेके जाता हूँ, कुछ बच्चे को लेकर के छोटे छोटे स्केचेस करता हूँ, लेआउट करता हूँ, मतलब कुछ भी करना आपके लिए जरूरी है। नहीं तो मतलब क्या होता है कि एक काम से हम लोग दूसरे काम पे ना बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोगों का सोच थॉट जब डाउन रहेगा, मतलब डाउन मतलब कि एक चीज जब बना रहा हूं मुझे कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज ये है और यही गलत हुआ। सबसे सीखते हैं हम सब, गलती है से ही सीखते हैं लोग। सब लोग ने कहते हैं ना कि मैं जो भी कर रहा हूँ सब तो गलत है, मैं क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं। गलत से ही हम लोग सीखते हैं, जो गलत आप किए हैं एक एक पेंटिंग में जो गलत किए हैं आपको रियलाइज हुआ है यहीं पे टंग कि हाँ यह गलत है, तो आपका सीखने की और सही करने की मौका आ गया। तो वो पेंट करने के टाइम जितना कम रहेगा बीच में कि ये पेंटिंग आप कर लिए, इनका पेंटिंग का बीच में ये टाइम है, और ये टाइम पे आके आप वही चीज जो गलत किए ये आप सही करोगे, मतलब आप सीख रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों का क्या राय होता है कि नहीं आज तो एक पेंटिंग कर लिया, काफी दिन बिजी हूं और अभी पेंटिंग नहीं करूंगा, तो चलो लंबा मतलब इतना स्पेस रख देते हैं।
कि 2 दिन बाद में पेंटिंग करूंगा, ठीक है, 2 दिन पेंटिंग में क्या क्या छूट जाते हैं मैं छोटा सा बताता हूँ। अगला थास्ते में आफ्टरनून पे क्या खाए थे आपको पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? याद नहीं, नॉर्मली याद नहीं रहता। हाँ, क्यों नहीं याद है? मतलब हम लोगों का मेमोरी का ऐसा डिजाइन है कि जो चीज हम लोग रिवाइज नहीं करूंगा उनको फालतू में वो डिलीट कर देते हैं। तो जो डिलीट हो जाते हैं वो तो रीबैक नहीं कर सकते कि रिसाइकल बिन यहीं पे लगा के नहीं रखे कि यहीं पे मैं फ्लैशबैक जाऊं और लेके आ जाऊं, ऐसा नहीं। जो कुछ गलत किए आपको पता है कि दो पेंटिंग के पहले जो पेंटिंग बनाया था क्या गलत था पता नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों को वैसा रियलाइज नहीं हुआ और फिर रिवाइज नहीं किए तो इसीलिए ना भूल जाता हूँ सर। तो पेंटिंग का जितना डिस्टेंस कम रहेगा आप उतना ही सीखते जाओगे, आपको पता नहीं है कि कितना सीख रहे हो लेकिन आपको जरूर आप सीख रहे हो, कुछ चेंजेस आएगा। तो ऐसे ही होता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक और दूसरे दिन का बीच में जो स्पेस है वो पेंटिंग रिसर्च करो, फिर काम करो, फिर यहीं से यहीं तक डेवलप, तब के मतलब ऐसे ग्रीड ऐसे 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 करके जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये मुश्किल होता है, ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले जब आप बाहर जाते थे काम करने के लिए जैसे 2-3 साल पहले और अभी भी जैसे आपने बताया कि अभी आपको बहुत कुछ पता है और सीखना है, और पहले जब कुछ नहीं पता था तो आपके माइंडसेट में क्या चेंज आया? पहले जब आप आउटडोर जाते थे तब का आपका माइंडसेट क्या रहता था पेंटिंग को लेके, और अभी जब आप काम करने के लिए जाते हो तो आपका माइंडसेट क्या रहता है? तब गोल छोटा था, मतलब एकदम सर्कल भी छोटा था, और तब लगता था कि इतना इतना अच्छा होगा तो चलेगा, मतलब एक आर्टिस्ट को देख रहा था कि हाँ इसी के लेवल से काम कर लूंगा तो ठीक है, तब तो कुछ पता ही नहीं था। एक खूबसूरत सा पेंटिंग बना के आना था बस। तो वैसा उतना हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन उतना के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तब ऐसा माइंडसेट था। लेकिन अभी होता है कि ऐसा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, खुद हम सबके अंदर ना बहुत कुछ है जो हम कभी ने रियलाइज भी नहीं किए, पता भी नहीं है, वो करते करते वो आ जाएगा, और रेगुलर करते करते आप क्या कर लोगे आपको भी पता नहीं है। ये पावर बस हमारे लिए बस बने हुए ऐसा नहीं, हर लोगों के लिए, हर लोगों के लिए एक सॉफ्ट माइंड है, वो शांत में बैठ करके वो भी रियलाइज कर सकते हैं, वो भी गाना सुनते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो उनके अंदर भी उतना ही पावर है, लेकिन वो बस कभी रियलाइज हो जाए कि हाँ ये सही है मैं सही कर रहा हूँ तो हो जाएगा, और कुछ नहीं, ये करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा लाइफ में। जब बाहर जाते हैं तो नॉर्मली क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है पेंटिंग को लेकर? पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा इसको लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल रहता होगा, वो क्या हाँ। क्या है वो चीज? पहले देखो मेरे साथ जैसे होते थे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा कि स्किप करते हैं, मार्केट को स्किप करते हैं, जहाँ ज्यादा गैदरिंग रहता है वहीं उस एरिया को स्किप करते हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, क्यों कर रहे हो, गवर्नमेंट वालों को क्या, आपको कितना मिलता है, आप ये लेकर के क्या करोगे, छोटे छोटे कॉमन एकदम मतलब स्टूपिड टाइप का एक क्वेश्चन है, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ठीक है, वो सही पूछ रहा है, वो कुछ गलत बात नहीं कह रहा। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होते थे, लेकिन धीरे 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 वो डेवलप हो जाता है कि एक एरिया में आप काम करते जा रहे हो ना तो आपको कितने दिन पूछेगा, लेकिन धीरे धीरे सबको जब पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये है, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली उस एरिया में ऐसा हो जाएगा कि सबको पता चल जाएगा कि यार ये पेंटर है, वो एक रास्ता बना दोगे ना एक बार तो और किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मेरा गाँव में या 50 किलोमीटर्स के अंदर आप कोई भी जगह पेंट कर रहे हो, 2-4 मतलब ऐसे लोग हैं जो जिन लोगों को पता नहीं, ज्यादातर लोगों को पता है कि ये पेंट करते हैं, और किसी ने जाके आज के टाइम पे जितने सारी बच्चे बच्चे सब बच्चे जाते हैं, बच्चे बच्चे मतलब कि जो सेकेंड मतलब हाई सेकेंडरी दे दिया और कॉलेज के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उन सब लोगों ने प्लेन ईयर करने के लिए जाते हैं कभी कभी, तो उनको वो फेस नहीं कर
मतलब करना पड़ता है। तो एक बार तो ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो गया था, मेरा इजिल विजिल लेकर के एक मतलब ड्रिंक करके एक एक वो जो वैन चलाते हैं ना, मतलब एक होता है ना कि उन लोगों ने ज्यादातर टाइम ड्रिंक करके रहते हैं और गुस्सा हुआ रहते हैं, तो जैसे नेचुरली होता है बच्चे लोग आ जाते हैं उनके साथ मीटअप होते हैं, बच्चे के साथ इंजॉयमेंट होता है, कनेक्ट हो जाता है ना गाँव में, चॉकलेट खिला रहा हूँ, ये वो चल रहा है, तो उनको लग रहा था कि कुछ गलत कर रहे हो हम लोग। ठीक है, वो ना गुस्सा बढ़ा गया, हाँ ऐसे करके फेंक दिया सब। तो मैं बाद में उनके साथ बात करना भी डर लग रहा है कि मारपीट ना हो जाए, खुद को कंट्रोल कर रहे, ठीक है भाई कूल कूल कुछ नहीं हुआ, ये हो सकता है उनके पर्सपेक्टिव से सही है। उसके बाद उनको बस समझा तो नहीं सकता हूँ, और वो उनको लग रहा था कि मैं हीरो बन गया और ये वो बस पुलिस एफ आई आर भी किए, उनको समझाया जाके कि ऐसा नहीं होता है, पुलिस भी समझाया और मैं भी समझाया कि देखो ऐसा मत करो, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा करोगे तो पूरी दुनिया कैसे चलेगा, आपका गांव में कैसे डेवलप होगा, बच्चे तो ऐसे ही रह जाएगा। तो उनके बाद कभी भी उसी स्पॉट पे काफी सारे बच्चे जाके वहीं पे पेंट किए, कभी भी ऐसा सिचुएशन और दूसरी बार नहीं हुआ। मतलब काफी चीज संभालना पड़ता है, धीरे धीरे आपका सेट हो जाएगा ना एक बार, तो पहले पहले ऐसे होते थे कि डिस्टर्बेंस आएगा, ये वो आएगा, अभी नहीं होता है, क्योंकि हेडफोन लगाओ, घुस जाओ आपका ब्लैंक वाला म्यूजिक में और पूरी नेचर के साथ कनेक्ट कर लो, और जहां डिस्टर्बेंस नहीं है वहीं पे हेडफोन बिल्कुल भी मत यूज करो भाई, क्योंकि नेचर का साउंड डेंजरस कुछ आपको दे सकता है, इतना पॉजिटिव एनर्जी देगा तो आपको पता ही नहीं है। तो जब नॉर्मली अगर मेरे जैसा कोई कोलकाता में पेंट कर रहा है तो हेडफोन की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इतना नॉइज होता है। एकदम एकदम तब थोड़ा सा घुस पेंटिंग में घुसने के लिए हेडफोन यूज करो, ये जरूरी होता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता। जब हम लोग वहां पे उत्तराखंड में जब पेंट कर रहे थे, याद है सुबह सुबह से जब कुछ खाए नहीं थे हम लोग, उसके बाद 3 बजे शाम में पहुंचे थे ऊपर, खाना सामने रखा था, लेकिन पहले हम लोग बैठ के कितना 3-4 पेंटिंग किए थे उस दिन। उस दिन मेरा पहला टाइम ऐसा था कि बिना आउटलाइन किए पेंट कर रहा था, मजा आ रहा था। भूख लगा हुआ था, सुबह से सब थका हुआ था ट्रैकिंग करके, खाना सामने होते हुए भी खाने का मन नहीं किया। बच्चे लोग भी देखो कि कितना गहरे से वो सब इतना मतलब ट्रैवल करके आए, और उन सब ने बैठ बैठ के सैल लोग जाएगा तो तब तब खाने खाना खाने के लिए जाऊंगा, इसीलिए सब बैठ रहे थे। हम दोनों के वजह से वो लोग सब भूखा था, 5 बजे सब भी बैठा हुआ था, सुबह से लेकर के 5 बजे तक भूखा रहना। इतना ऊंचा ट्रैकिंग करके आना, लगेज लेके ट्रैवल करना, पहाड़ के ऊपर ट्रैवल करने में ही थोड़ा सा थक जाता है आदमी। सच में ये काफी मुश्किल था, लेकिन ऐसे हो जाते हैं कभी कभी ना, मूड बन जाता है एक ऐसे होता है। मैं कभी कभी नेचर को चेंज करता हूँ, नेचर को चेंज करता हूँ मतलब कि मैं इसी जगह पर तो काम तो कर रहा हूँ, लेकिन एक एनर्जी मिलता है, जैसे कि नेचर से एक अचानक सा एक हैप्पी मिलता है, हैप्पीनेस दिखता है, जैसे कि काफी दिन आप समुंदर नहीं देख रहे हो तो समुंदर में अचानक से आप जाओगे तो एक अलग सा हैप्पीनेस दिखेगा। अरे इतने दिन पर आप समुंदर देख रहे हो तो वहीं पे छोटा छोटा चीज आपको फिर नजर से आएगा, और फिर देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये लेकर के तो पेंट हो सकता है। तो ऐसे कभी कभी पहाड़ में जा रहा हूँ, ये इधर उधर में भाग रहा हूँ, अभी लास्ट टाइम कुछ स्टोन वाटरफॉल लेकर के काम कर रहा था। तो एक चीज नहीं कि आप जो चीज में बोर हो रहा हो तो उसको इंटरेस्ट पहले ले आना पड़ेगा। कभी कभार होता है कि हम लोगों ने पेंट तो करते हैं, वो बस हमका जिम्मेदारी ये है कि हाँ मुझे पेंट करना है इसीलिए पेंट करता हूँ, ऐसा नहीं। आपको इंजॉय करोगे तो तब तो पेंटिंग होगा, ऐसा नहीं कि पेंटिंग बना लिया हो गया, ऐसा नहीं। आप कितना इंजॉय किया हो पेंटिंग के अंदर वो दिखेगा, तब दिखेगा जब आप इंजॉय करोगे, आप नहीं इंजॉय कर रहे हो तो कैसे पेंटिंग होगा, मतलब ऐसे होता है। तो इसके लिए कभी कभार नेचर को चेंज करना पड़ता है कि आपको एक ही नेचर को आप देख देख करके बोर हो रहे हो। ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस मतलब ऐसा होता है कि कुछ किसी आर्टिस्ट का कुछ काम देख लिया और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ सब्जेक्ट मिल जाए तो खतरनाक कुछ बना सकता हूँ और काफी इंजॉय कर लूंगा, तो ऐसा आपके पास मौका है तो मिस मत कीजिए, आप जाइए और पेंट करिए, 2-4 दिन घूम के आइए,
पूरी रिफ्रेश हो जाओगे और पेंटिंग भी चेंज हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट भी ऐसे करके ही बढ़ना है। और फिर आके देखो कि जहां आप पहले पेंट करते थे वहीं फिर आके देखो कि आपका वो पूरी नेचर चेंज हो जाएगा और फिर आप काम करना स्टार्ट करोगे। मैं ऐसा करता हूँ। चेंज थोड़ा जरूरी है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक मीडियम पे रेगुलर काम कर रहे हैं उससे भी थोड़ा बोर हो जाते हैं। मीडियम को भी कभी कभी चेंज करना चाहिए, कभी स्केचिंग करना चाहिए, कभी चारकोल यूज करना चाहिए। और एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को लगता है कि मतलब पेंटिंग ब्लॉक होता है, पेंटिंग ब्लॉक मतलब कि कभी कभार ना पेंट करते करते कुछ लोगों को काफी बार रियलाइज होता है कि मेरे को मन नहीं कर रहा है कुछ दिन पेंटिंग करने के, क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे होता है। उसका रीजन है कि हम लोग ना रास्ते पे चलते चलते काफी सारी चीज ऐसे ऐसे करके है जो कि इधर भी दिख रहा है, इधर इधर क्या अच्छा, कुछ भी अच्छा लग सकता है, और ऐसे होते हैं तो तब लगता है कि वो ट्रैक पे चलते चलते काफी टाइम ऐसा ब्रेक हो जाएगा। और मतलब ये नहीं है कि आप हट जाओगे और आप स्लो हो जाओगे, मुश्किल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो आपके लिए कुछ हानिकारक नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपको दिमाग में यही रखना चाहिए जो आपका नेचर पे जाके जो एक्सरसाइज करते थे, दिमाग में जो एक्सरसाइज करते थे, क्या देखना कि क्या प्रोसेस होता है कि आपको कलर कैसे नोटेट आप कर रहे हो, क्या क्या रिएक्शन कलर्स चल रहा है, दूसरे की वैल्यू को आप कैसे कैसे देख रहे हैं, और एज वाला जो पार्ट है उसको कैसे आप समझ रहे हो, ऐसा लाइनिंग्स को आप क्रिएट करोगे तो कैसे करोगे, कंपोज करोगे तो कैसे कंपोजिशन बनाओगे। तो ये ना हर टाइम आपका दिमाग में चल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो बस दिमाग का ही खेल है। पेंटिंग एक प्ले कर रहा है ऐसे करके प्ले कर रहा है, लेकिन जो चल रहा है यहीं पे, तो आप पेंटिंग नहीं कर रहे हो तो ये भी कर रहे हो, तो डेवलप एक तरीके से हो रहा है। कभी कभार ऐसे होता है, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, जो टाइम आपको रिलैक्स पार्ट है अच्छे से रिलैक्स करो, जो कि पेंट करने के टाइम फिर रिलैक्स करने की मन नहीं करेगा, ऐसे रिलैक्स कर लो। ठीक है, एक ही लाइफ है जिंदगी में, आपको कुछ करके जाना है तो आपके पास ऐसा और क्या है जो आप कर सके, कुछ ऐसा सेकेंड जनरेशन को देके जा सकोगे, मतलब ऐसा क्या है, कुछ ऑप्शंस है आपका मन में, सेकेंड कोई ऑप्शंस है तो वो लेकर के आप रिसर्च करें। और आपका ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ पेंटिंग ही है, तो मतलब ऐसा पेंटिंग कीजिए जो कि वॉल पे एक कुछ कुछ हिला के रखिए, ऐसा कुछ कीजिए, नहीं तो बस बकबस की जिंदगी है, दो दिन का बस खाना खा के, इतना एज हो गया ऑलरेडी, और जितना साल जिंदा था और कुछ दिन रहूंगा, उसके बाद बस सेम जो नॉर्मल से लोगों के साथ होता है वैसे ही मर जाओगे सब, बस खत्म। तो ये क्या जिंदगी है, कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ नहीं आ रहा है तो अच्छे सबको, बस ऐसा बिल्कुल भी मत करो जो कि किसी को बुरा लगे, ये वो ऐसा करके जाओ जो कि आपको याद रखे सकते। क्या क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। एक पेंटिंग करना और स्टडी करने में क्या डिफरेंस है, मतलब और क्या तरीका होना चाहिए स्टडी करने का? जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं नॉर्मली, सबका होता है कि ताकि एक पेंटिंग बनाना है, ठीक है, एक पेंटिंग बनाने में और एक स्टडी करने में क्या डिफरेंस है, क्या तरीका सही होना चाहिए? देखो, पेंटिंग शब्द काफी इंटरेस्टिंग है, जो स्टडी कर रहे हैं उनको लगता है कि मैं पेंटिंग कर रहे हूँ, और पेंटिंग और स्टडी को डिवाइड किया जाए तो स्टडी मतलब एकदम जो एकेडमिक थॉट होता है, पहले जैसे कि बेसिक से जो चीज सबके अंदर आना चाहिए, वो जो बात कर रहा था कि नेचर के अंदर जाओ, ये वो करो, वो जब रियलाइज हो रहा है उससे पेंटिंग बन रहा है, वो स्टडी नहीं है, स्टडी आप पहले कर चुके हैं, वो जब जा रहे हो वो पेंटिंग कर रहे हो,
और उसको करने के लिए आपको पहले स्टडी को चाहिए, और स्टडी पूरी एकेडमिक स्टडी रहना चाहिए सबके अंदर। एकेडमिक मतलब पूरी ड्राइंग, पूरी वैल्यूज, पूरी सेव्स, जो भी है स्टडी के अंदर सब रहना चाहिए। हर एक मीडियम आपको समझना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी एक मीडियम जो आपको इजी टू हैंडल कर सकता है, उस मीडियम को पकड़िए और एकेडमिक स्टडी कीजिए। एकेडमिक स्टडी मतलब कि पूरी लाइफ और पूरी एकदम ए से जेड तक, कोई एक लेटर को नहीं छोड़ सकते, आप ए से जेड तक पूरी पूरी स्टडी करना होगा आपको, ठीक है। और धीरे धीरे आपको सेव्स, वैल्यू और एजेस जब समझ जाओगे, थोड़ा थोड़ा इम्प्रेशन से आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद आता है पेंटिंग। पेंटिंग एक मन का एक रिएक्शन है, एक सोचने की जो तरीका होता है, सोचने के बाद जो होता है एक पेंटिंग, जो होता है ना कि हम लोगों का एक दिमाग से एक पेंटिंग का मैसेज आता है कि हाँ मैं इस टाइप का पेंटिंग करूँ, इस टाइप का कुछ कंपोजिशन करूँ, कंपोज करूँ, तो वो होता है पेंटिंग। और वो पेंटिंग एक्चुअल में क्या है ना कि सोचने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए स्टडी काफी खतरनाक हिसाब से करना चाहिए, नहीं तो आप आगे जाके, काफी सारे बच्चे लोगों को लगता है कि मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ तो मेरा स्टडी क्या जरूरी है। मुझे भी लगता था जब मुझे ज्यादातर कहते थे कि मुझे जितना तक अभी तक पता है कि आप स्टडी करो, आप ये करो वो करो, अच्छा नहीं लगते थे सच में, क्योंकि शुरू शुरू में हम सब ना एक फ्लो में चलते हैं ना कि रॉकेट गति से, मतलब ऐसे करके मुझे जाना है और इतना वर्क करना है, इतना नेचर स्टडी करना है। अरे नेचर स्टडी क्या होता है? स्टडी की आपको अंदर जो फीलिंग आ रहा है, फीलिंग को आप बाहर निकाल रहे हो, बस आप जो ले रहे हो बस आप उल्टी कर रहे हो, सोचो सीधा सीधा बात करो तो नेचर को जो हम सब एब्जॉर्ब कर रहे हो वो बस एक तरीके से हम सब प्ले करके हाथ से मैं कुछ फिल्टर करके निकल करके एक पेपर में डाल रहा हूँ और कुछ नहीं। स्टडी जो होता है एकदम ए से जेड तक पूरी, वो समझना पहले जरूरी है, उसके बाद पेंटिंग होता है। और एक टाइम के अंदर पेंटिंग ये जो और एक चीज होता है कि बच्चे लोगों का सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम हो रहा है, कॉलेज में घुस गए और कॉलेज तो चल रहा है, और कॉलेज चलते चलते जो हो रहा है कि फर्स्ट ईयर खत्म, हर एक मीडिया में ये वो फाउंडेशन ये वो, मतलब हर एक चीज रहता है वो तो चला गया। और सेकंड इसमें आता है कि सोचना स्टार्ट करो, उसके बाद आता है कि आप एक जो कर रहे हो कि पेंटिंग करो, इतने दिन तो स्टडी की आप पेंटिंग करना स्टार्ट करो। तो देखो कि पेंटिंग एक टाइमिंग्स के ऊपर आता है कि आपको जो सोचने में दे रहा हूँ आपको क्या मन से हिला रहा है कि आप सोचो, आपका सोचने का मन कर रहा है तो आप सोचो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपका स्टडी अच्छा नहीं है, आप एकेडमिक स्टडी आपको सही नहीं है, आप हिला हुआ है, ड्राइंग सही नहीं है, आप करते जा रहे हो और बाद में आपको रियलाइज जब होगा फिर से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, तब मुश्किल हो जाता है, डेंजरस मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको मैं कह रहा हूँ कि जो आपके टाइम है, जो लोग आज से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और जो बच्चे अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी एकेडमिक स्टडी बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टडी करने बैठे हो कोई स्टिल लाइफ या कुछ मॉडल स्टडी करने बैठे हो, लाइव करो, फोटोग्राफ्स बिल्कुल भी मत करो। सार्जेंट भी लाइव करना पसंद करते थे, कभी भी फोटोग्राफ से या कुछ भी इमेजिनेशन से बनाना ये पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इतना मॉडल बैठा के किए थे। आप सोचो कि एक कंपोजिशन कर रहे हो वहीं पे भी मॉडल बैठा के कर रहा है, 3 सालों से कर रहा है जो स्टोरी सुनाया था। तो लाइव में कुछ अलग होता है और वहीं से स्टडी होता है, और स्टडी आप जब कर रहे हो खतरनाक तरीके से करो, स्किप ना हो जाए, छूट ना जाए, ऐसे करके करो, और वो जब स्टॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये जो 2-3 चीज है ना कि सेव्स, एज और वैल्यूज, ये जब आपको दिमाग में सब घुस जाएगा तब ऑटोमेटिकली वो इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा। आपको इम्प्रेशन लेकर के दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा।
और ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट बनेगा, ऑटोमेटिकली आपको टाइम आएगा कि हाँ पेंटिंग देख देख करके आपको दिमाग जब डेवलप होते जा रहा है तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है। मुझे इतना दूर तक मुझे तो पता है, और बहुत लोगों ने, बहुत बच्चे इसीलिए फंस रहे हैं और फास्टेड हो रहे हैं कॉलेज छोड़ने के बाद। 4 साल BFA कर रहे हैं, BFA करने के बाद आ रहा है MFA करने के टाइम, MFA करना मुश्किल हो रहा है। 100 बच्चे से 25 बच्चों मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स करने के बाद ख़त्म हो गया पूरे ये, और जॉब नहीं कर पा रहे। जॉब करने के टाइम लग रहा है कि मुझे पेंटिंग करना था, मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर जॉब छोड़ के मेरी तरफ आ रहा है तो तब लग रहा है कि मैं इतने साल क्या किए। काफ़ी सारा सवाल ऐसा आता है, काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसे मुलाकात होता है कि मैं क्या करूँ, अभी क्या करना चाहिए, तो तब फंस जाते हैं। तो ये मुश्किल है, तो मुश्किल होने से पहले आप सीरियस हो जाओ और कुछ कर रहे हो तो आपका 100% स्किल डेवलप कर लो, उसके बाद जो करना है करो। तो स्किल डेवलप करने के बाद आप करोगे ना तो पूरी फाड़ दोगे, मतलब कुछ भी आ जाए आप, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप कर लोगे 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नहीं तो थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है कि फिर स्टार्ट करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है फिर से। मैं जैसे पहले उतना नहीं करता था, मैं बीच में ड्राइंग करना स्टार्ट किया कि मैं प्लेन ईयर जाता था सुबह, आफ्टरनून होने से पहले मैं आ जाता था 11 से 12 बजे तक आ जाता था, नहा बहा के ड्राइंग करने बैठता था, 2:30 पे खाना खाने के बाद फिर सोना है, रेस्ट करना है, फिर ड्राइंग करना है, फिर जाना है, ऐसे करके मेरा पूरी दिन निकलता था। तो ऐसे करके मेरा पूरी शेड्यूल था। तो देखो कि मुझे पता है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबको पता है कहाँ किसका क्या फॉल्ट है, सबको पता है, इग्नोर करते हैं। हाँ हम लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं मुझे, मैं करूँगा ठीक है, मेरे टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं करूँगा, ये काम खत्म हो जाए वो करूँगा। लेट कर रहे हो भाई, काफी लेट हो जाएगा, और ऐसे करते करते ऐसा इतना लेट हो जाएगा ना पूरी जिंदगी, मतलब आप बेड पर सोए हुए हो और 2 दिन आप जिंदा रहोगे, उस टाइम लग रहा है कि हाँ मैं 2 दिन बाद करूंगा, ऐसा क्या फायदा होगा। तो बस स्टार्ट करना है तो आप इसे स्टार्ट कर दो, लेट हो जाएगा जिंदगी में। आप भले ही आर्ट कॉलेज नहीं गए हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है इंडिया के ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे आर्ट कॉलेज में आपका बहुत सारा स्टूडेंट है अभी के टाइम पे, वो तो एक अलग लेवल का खुशी होता है। तो वहां से आपको ये भी समझ में आया होगा कि आर्ट कॉलेज का क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर कोई आर्ट कॉलेज नहीं जा पाता है तो उसको क्या करना चाहिए, और क्या मेरी क्या इम्पोर्टेंस है आर्ट कॉलेज का, कितना इम्पोर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन आता है, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आता है, आपके पास भी आता होगा कि आर्ट कॉलेज जाना इम्पोर्टेंट है क्या। मेरा आंसर ये रहता है इस पे कि अगर आपको चांस मिल रहा है आर्ट कॉलेज में जाने का एट यंग एज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जाना, चांस मिल रहा है तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन नहीं अगर जा पा रहे हो तो खुद से उस लेवल का, उससे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा फिर, जितने का आर्ट कॉलेज में बच्चे करते हैं। आपका इसके ऊपर क्या रिव्यू है? तो मेरा बात यह है कि देखो आर्ट कॉलेज का एक पार्ट, जैसे आज का जो इंडिया की जो आर्ट कॉलेज की जो सिस्टम्स है, दो मतलब गिन गिन के 2-3 कॉलेज छोड़ के कॉलेज का हालत बहुत खराब है। टारगेट रखो, जो जिन लोगों का आर्ट कॉलेज में पढ़ना है अच्छा कॉलेज में पढ़ो, पहले रिसर्च करो कि कौन सा कॉलेज में अच्छा काम हो रहा है। मैं ऐसे बात बता नहीं सकता हूँ ऑनलाइन में, क्योंकि ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। और एक्चुअल में कॉलेज में एक लिमिटेड कुछ होता है, जो कि एकेडमिक, जो वेस्टर्न एकेडमिक जो प्रोसेस है, सिस्टम्स है, सब करवाते नहीं है। हर आर्ट कॉलेज में जो हो रहा है उनका कुछ प्रोसेस है, कुछ मीडियम्स है, उतना ही आपको कह कह के आपको सिखाएगा, मतलब कहेगा कि अरे ये वाटर कलर है, अगला दिन प्लेन ईयर 2 सबमिट करना है आपको। बहुत सारे ऐसे बच्चे के साथ हुआ है, आप सबको एक्सपीरियंस होंगे शायद, आपको कहेगा अरे बच्चे लोगों का, मतलब बात सुनता हूँ ना तब ऐसा गुस्सा आता है,
कहेगा कि ऑयल से कल को, कल से ये स्टडी करना है, कल से आ जाओगे और ऑयल से स्टार्ट करना है, कभी सिखाया भी नहीं कि ये क्या है वो क्या है, और मोनोक्रोम में करना है, ये करना है वो करना है, ऐसे ही कह देते हैं, बस इतना ही काम है आर्ट कॉलेज का। आप सोचो कि ऐसे ऐसे करके डेवलप कर रहे हो तो आपका सर्टिफिकेट का जरूरत है, आपको जॉब करना है, आगे जाके क्या करना है, या आपको सच में कोई आर्टिस्ट बनना है, आर्ट कॉलेज करते करते आर्टिस्ट बनना है आप बन पाओगे, लेकिन कॉलेज करते करते आपका नॉलेज को पूरी करने के लिए ऐसा आर्ट कॉलेज काफी नहीं है, आपको बहुत कुछ लेना है जो कि बाहर से लेना पड़ेगा या खुद को स्टडी करना पड़ेगा, बहुत कुछ है, ओपन ओपन में ही सब है, आपको लेना होगा बस, और ये सब बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और मैं बस यही कहूँगा आपके लिए ऑप्शंस है आर्ट कॉलेज में पढ़ने की, आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको थॉट यही रहना चाहिए, नहीं तो आप आर्ट कॉलेज से निकल के बहुत फंस जाओगे। अब जॉब कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिस्ट के लिए आपको तो रियल स्किल चाहिए ना, तो आर्ट कॉलेज में कुछ उस बच्चा ऐसा एडमिशन हो जाने के बाद, मैं देखा मेरा स्टूडेंट के साथ ऐसा काफी बार ऐसा होता है, बहुत अच्छा स्किल है बच्चों का, बहुत अच्छा स्किल है, बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा है, एडमिशन हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। दो चार साल बाद उनका कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद उनको लग रहा है, रियलाइज कर रहा है कि मैं क्या किया, वो सबसे खतरनाक टाइम है। तो उससे पहले आप सुधर जाओ, आप खुद पेंट करना स्टार्ट करो, और नहीं तो मुश्किल हो जाएगा जिंदगी में, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हो, और आपको पॉसिबल है आप करो, लेकिन उसके साथ साथ करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आपको बस टारगेट रखना है कि जो कर रहा हूं मैं वो सर्वाइव करने के लिए, मतलब वो काफी है, या और भी करना है और आगे जाके मतलब पेंटिंग को आगे ले जाने के लिए आपको कितना वर्क करना चाहिए और कितना हार्ड वर्क देना चाहिए, कितना स्टडी वगैरह करना है, कितना वेस्टर्न को फॉलो करना है, वेस्टर्न आर्ट को कितना समझना है, कितना वर्क हो गया वो समझना है। देखो सिखाते तो है मतलब इंडियन जितने सारी कॉलेजेस है, इंडियन वेस्टर्न हिस्ट्री तो सिखा तो देते हैं, लेकिन वेस्टर्न पूरी कल्चर के साथ साथ जो एकेडमिक जो स्टडी है उसको किसी ने, मुझे तो लगता नहीं कि कोई किसी कॉलेज में एक दो कॉलेज छोड़ के कहीं पे भी अच्छे से सिखाता है। तो वही बात है, बस आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ये सब बात को कैसे लोगे और कैसे क्या करोगे। ज्यादा लंबा नहीं हो गया ना सेशन? हाँ, थोड़ा सा लंबा हो गया, खत्म करना चाहिए कि और बात करें? नहीं ठीक है, आप आपका कोई और कोई कुछ है तो आप बताओ। और क्या, बहुत रात हो गया, ठीक है, एक दो इम्पोर्टेंट एक दो लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो अभी तक तो मैंने इतना क्वेश्चन लिख के रखा था कि यहाँ से कुछ पूछा ही नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन था, चल रहा है यहाँ से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वाटर कलर का फ्यूचर क्या है, ठीक है, और कहाँ से, मतलब इसका पास्ट कैसा रहा, इंडिया में कैसा है, और फ्यूचर आगे क्या है वाटर कलर का, और एक क्वेश्चन इसी में ऐड करेंगे कि अभी आप देखते होंगे कंटेम्प्रेरी काम जो भी चलता है मोस्टली वाइल में या फिर एक्रिलिक में होता है मोस्ट ऑफ द काम जो कंटेम्प्रेरी है, तो इस मीडियम को एज ए कंटेम्प्रेरी मीडियम में आप किस तरीके से देखते हो आगे जाके? मैं जब जर्नी स्टार्ट किया था उस टाइम पे हो सकता है कि मेरे पास इतना सोशल मीडिया का चर्चा नहीं था, हो सकता है कि बाहर से इतना कनेक्टेड नहीं था, इसीलिए मुझे इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन जितना तक पता है कि धीरे धीरे जब 2018-19 के टाइम जब मुझे थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है, तब ऐसा लग रहा है कि नहीं सच में इंडिया में जो हो रहा है कुछ नहीं, मतलब जब बाहर का कुछ आर्टिस्ट का काम देखना स्टार्ट किया और सच में स्टडी बाहर का स्टडी देख करके ये वो करके जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब लग रहा है कि इंडिया में जो अभी का टाइम पे जो वाटर कलर चल रहा है, वाटर कलर का कोई कुछ टाइम पहले भी ऐसा बात हो रहा था कि वाटर कलर का कोई फ्यूचर नहीं है,
मैं मुझे ऐसा सुनना पड़ रहा था उस टाइम, लेकिन अचानक सा कुछ इवेंट हो गया जो बाहर से कुछ आर्टिस्ट आना स्टार्ट कर दिए, और इंडिया में इनके लिए कुछ, मैं बात करूंगा कि हाँ कुछ पॉलिटिक्स भी चल रहा है, लेकिन कुछ अच्छे के लिए कुछ बुरा भी होना जरूरी है। मतलब बुरा होता है, एक अच्छे के पीछे एक बुरा प्रोसेस रहता है, एक रात के पीछे एक दिन भी रहता है, फिर दिन के पीछे रात रहता है। वैसा ही एक अच्छा हो रहा है तो उसका बैड असर भी तो पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा पकड़ना है तो अच्छे को लीजिए। और 2019 के बाद मैं देख रहा था कि 2023 के अंदर इतना वाटर कलर के अंदर डेवलप हो रहा है, और जो इवेंट बाहर बाहर हो रहा है ना, तो कुछ सालों के अंदर इंडिया के अंदर ही होगा सर। और आपको पता नहीं कि टॉप मोस्ट जितने सारी वर्ल्ड पर जितने सारी आर्टिस्ट है सब इंडिया में आएगा, सच में आएगा। और कुछ आर्टिस्ट ऐसा आज के टाइम पे इंडिया में कुछ आर्टिस्ट वाटर कलर आर्टिस्ट ऐसा काम कर रहा है जो आपको क्या कहो कि खतरनाक लेवल बना बना के जाएगा, सच में मैं कह रहा हूँ। अगर क्योंकि कुछ आर्टिस्ट किसी का नाम अगर आप ले सको, वैसा कुछ काम करने वाला। नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ आर्टिस्ट है सब केस कर पा रहा है, लेकिन और कुछ सीनियर लेवल का आर्टिस्ट है जो कि बहुत गंदा तरीके से काम कर रहे हैं, जिनको मैं क्या कहूँ, उनका भी नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा बहुत कुछ, ज्यादा कमर्शलाइज कर दिया गया है इस फील्ड को, एक हाँ कमर्शलाइजेशन और एक दूसरा फेवरेटिज्म, बस अपने बस बस फेवरेट लोगों को बिठाना टॉप बस पर। बस जो लोग आज के टाइम पे अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो वो बस ऐसा नहीं कि अचानक से आया उनका दिमाग में और करते करते एक अचानक से फाड़ दिया, ऐसा नहीं। वो सब रिसर्च करके आ रहा है, सब रिसर्च करके आ रहा है। जितने सारे बच्चे हैं अभी आज के टाइम पे, जब यंग जो टाइम है। और एक चीज है कि बुरा वाला जो सीन चल रहा है इंडिया में, जो ओल्ड मतलब जो कर चुके हैं जिन फील्ड पर, मतलब वाटर कलर फील्ड पर इतने सारे कुछ हो गया और उन लोगों के हाथ में सब है, उनके लिए मतलब जो नया जनरेशन है उनके लिए स्पेस छोड़ना चाहिए। कुछ बच्चा है, कुछ आर्टिस्ट है ऐसा इंडिया में जो खतरनाक काम कर रहा है, उनके लिए स्पेस छोड़ना चाहिए। लेकिन इतना पॉलिटिक्स बस चल रहा है कि आज के टाइम किसी ने स्पेस नहीं छोड़ रहा है उन लोगों के लिए, लेकिन नेगेटिव कुछ ऐसा डाल रहा है जो कि उनको आगे बढ़ने की मौका ही नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन लोगों को भी उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं सबके साथ कनेक्ट इससे करके इससे रहता हूँ। क्या और हो रहा है, कुछ देखिए अगर कोई एक अच्छा काम कर रहा है उसको अगर नहीं बुलाया जा रहा है, तो जो हाँ अच्छा हाँ काम कर रहा है उसका कोई लॉस नहीं है उसमें, बस बस उसका बस कितना लॉस होगा, उसका बस ये लॉस हो कि थोड़ा कम आदमी जान पाएगा उसको, लेकिन जिसका अच्छा काम है उसका काम कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे पहुंच रहा है, वो कहीं ना पहुंच कहीं सरवाइव कर रहा है अपने आर्ट के ऊपर, ठीक ठाक अर्निंग भी कर रहा है जो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मेरे नजरिए से इससे लॉस उसका हो रहा है जो उस इवेंट में जा रहा है और वो अच्छा काम देखना डिजर्व करता था, जो स्टूडेंट नया सीखना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो एकदम काम किसका एकदम देख रहा है, एक मीडियोकर आर्टिस्ट का, जिसको बस थोड़ा सा किसी तरीके से एक पेंटिंग को फिनिश करना आता है एकदम और बस उसका फॉलोअर थोड़ा ज्यादा है, उसका रीच थोड़ा ज्यादा है, ऐसा हवा बना के रखा हुआ है सोशल मीडिया पे कि आने वाले जो स्टूडेंट है उनको लगता है कि यही काम है और हमको भी एकदम ऐसा ही करना है, जिसके तो उसके वजह से लॉस वैसे लॉस आने वाले स्टूडेंट का हो रहा है, आने वाले जनरेशन का हो रहा है। आज के टाइम का जो आर्टिस्ट है जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों ने डीमोटिवेट नहीं हो रहा है, उन लोगों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन लोगों ने स्पेस नहीं चढ़ेगा तो भी वो कुछ करके दिखाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ नहीं करेगा, बाहर सिंपल करेगा, सिंपल इंडिया के बाहर करेगा और क्या। सिंपल सा आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रमोद कुलेकर सर को आज से 5 साल पहले उतना लोग नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म चल रहा है आज के टाइम, लोगों ने स्पेस नहीं दिए थे, क्योंकि हम कोई उनका भी बुलाता ही फर्क नहीं नहीं। पड़ रहा था कि भाई मुझे ऐड करो ये करो वो करो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करके जा रहा है कि उन लोगों ने फिर कह रहे कि आओ भाई आप कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अब आने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। बस बस। तो वैसा कुछ आर्टिस्ट है जो इंडिया पे भी है जो बाहर जा रहा है अभी, और कुछ लेवल भी बना के रखे हैं जो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। पता है लेकिन मैं इग्नोर किया जाता है, पता सबको है, ऐसा हाँ, बस बस। तो नहीं है कि वैसे कोई इस फील्ड में जो अच्छा काम कर रहा है उनको जो थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है उसको थोड़ा बहुत पता है,
उसको पता है कि हाँ कौन अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, वो अगर आ जाएगा तो मेरा रियलिटी खुल जाएगा कि हाँ भाई अब कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डर है थोड़ा सा उनका डर है। सच में इसीलिए तो उन्होंने स्पेस नहीं छोड़ रहा है कि जितना टाइम हो सके स्पेस को पकड़ के रखो कि मैं उनको नहीं जाने दूंगा, ऐसा ही हो रहा है। और एक चीज की कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट जो कोलकाता मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है, मैं जितना तक देख रहा हूँ कि उन लोगों ने तो और भी खतरनाक है, मतलब ऐसा सब लोग नहीं है, कुछ अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा काम भी कर रहा है, सच में अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेस लेकर के ऐसे बैठे। और दूसरी बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबको स्पेस चढ़ो और मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ इसीलिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है ना कि कोलकाता को चेंज करने के लिए, इंडिया को चेंज करने के लिए, दिल्ली मुंबई को चेंज करने के लिए सबको अच्छा काम करना चाहिए और देखना भी चाहिए, देखना चाहिए। वो जो एडवाइस दे रहा है कि आप ऐसा करो, वो तो गलत इंफॉर्मेशन चढ़ा मतलब फैला रहा है ना, तो ये सही नहीं है जो वो जो कर रहे हैं, उनको कंसेप्ट आ रहा है कि हाँ एक राधा बनाओ, एक कृष्णा बनाओ, एक गणेश बनाओ, एक बुद्धा बनाओ, ये कोई काम का ये क्या है। एक स्टडी जोन पर जाते हैं उसके बाद होते हैं वो जो कर रहा है, कुछ कॉन्टेम्पररी ऐसा कुछ आर्टिस्ट है जो सच में अच्छा कर रहा है, खतरनाक कर रहा है वो है, लेकिन कुछ ऐसा भी आर्टिस्ट है जो क्या कहो दो लाइन खींच रहा है और गलत इंफॉर्मेशन। मैं मेरा एक स्टूडेंट और मैं गए था एक जगह एक आर्टिस्ट को, मैं बात ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि किसके पास गए थे, और उनको पूछा कि सर एक बात बताइए कि आप जो ये कर रहे हो जो एब्स्ट्रैक्ट नाम का जो आप बनाए, आप एक्चुअल में है क्या, आप क्यों बना रहे हो। एक होता है कि एक पेंटिंग देख करके एक शांत हो जाता है कि हाँ भाई मुझे शांति मिल रहा है, एक पेंटिंग होता है कि हाँ देख करके लगता है कि आह क्या बात है, एक पेंटिंग लगता है कि एक स्टोरी बता रहा है आपका पेंटिंग, ऐसा हर एक पेंटिंग देखने के बाद मेरा घिनौना आ रहा है, घिनौने मतलब कि एक अलग अलग अजीब अजीब सा चीज लगा के वो कर रहा है। हाँ हो सकता है कि एक जैसे होता है कि हर एक फील्ड में बुरा सबमिट करने के लिए ये चीज प्ले कर रहा है, लेकिन उनके साथ बात करने के बाद लग रहा है कि वो कह रहा है कि ये चीज को डेवलप करना है, तो इसीलिए मुझे पता नहीं है कौन बताएगा ये फील्ड लेकर के। सोचो कि एक आर्टिस्ट मुझे कह रहा है कि कौन बताएगा ये मुझे सही नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये कौन बताएगा, और मुझे आगे बढ़ना है तो और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा की सोचना है करना है, जैसे कॉलेज वालों ने कहते हैं ना कि आप सोचो सोचो, उनका दिमाग में घुस गया ऐसा, और वो ऐसे ही करके चल रहा है कि ऐसे ही करके चल, तो सीन ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो। तो वो डेंजरस एक बात कह रहा था कि कह रहा कि आज के टाइम ऐसा चल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट एक इजूम, मतलब जैसे कि इम्प्रेसम हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसा इजूम था जो कि एक पीरियड ऐसे करके आ रहा है, वो कह रहा है कि हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट इस टाइम पे चल रहा है, इसको डेवलप करने के लिए मुझे भी करना है, आपको भी करना है और पूरी दुनिया को करना है। अरे कौन कहा कि आपको वही करना है, आपको कौन कहा कि आपको मतलब कौन ऐसे बात कहा कि आपको यही करना है, नहीं तो यहीं पे पूरी पृथ्वी पूरी ढंग से मतलब पूरी सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे कौन कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं, तो आप क्यों आप तो कर रहे हो, आपका जितने सारे स्टूडेंट है उन लोगों ने पूछ रहे हैं, आप वही तो मैसेज फैला रहे हो ना। तो कह रहे कि नहीं मुझे तो ऐसा पता नहीं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि हर लोगों का पेंटिंग देख करके ऐसा लगता था कि लाइनिंग बाइनिंग ये दे करके वो बैठ करके इधर रेड ब्लू ये लगा के मुझे अच्छा लगता था, और मैं भी लगाया और अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, और सबको लग रहा है कि हाँ भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, सब अच्छा अच्छा कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। सच में ये रियल मेरे साथ पूरी डायरेक्टली हुआ। तो बस वही भाई जो कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक मैसेज पहुंचाने के लिए पेंटिंग होता है, ये करने के लिए
और अच्छा कुछ कंपोजिशन के लिए एक इम्प्रेशन होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं, वो मिनिमाइज करते हैं। अब जितने सारे लोगों का ओल्ड मास्टर्स, जितने सारे कोलकाता कॉन्टेम्प्रेरी पहले था, मतलब आज से 15 ईयर्स या 100 ईयर्स पहले जितने सारे आर्टिस्ट थे, उन सबका काम देखोगे ना, उनका लाइन आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या किए हैं उन्होंने, उनका कंपोजिशन देख करके पता चलेगा कि क्या, मतलब क्या खतरनाक किए थे। खतरनाक मतलब ऐसा नहीं कि एकेडमी को बहुत ज्यादा वहीं पे प्ले किए, ऐसा नहीं, लेकिन वो सिंप्लीफाई करके, जैसे मैं कहा कि पेंटिंग एक सिंप्लीफाई की जगह होता है, एक स्टडी का जगह अलग होता है, वेस्टर्न में ज्यादा हो गया, इंडिया में ज्यादा सिंप्लीफाई चक्कर में ज्यादा फंस गए। तो बात यह है कि वो सिंप्लीफाई करके इतना स्ट्रॉन्ग ड्रॉइंग, इतना खतरनाक पेंटिंग, इतना खतरनाक कंपोजिशन, इतना अच्छा मैसेज, क्या नहीं था। और सच में ये सब उस टाइम पे हो रहा था, आज के टाइम पे क्या है कि उसका नाम पे ये कुछ अलग सीन चल रहा है, दो लाइन घिस दिया, दो कलर डाल दिया, चलो मेरा एब्स्ट्रैक्ट आप देखना है, देखो मैं एक पेंटर हूँ, और क्या, बस अच्छा चल रहा है, किसी का अचानक से नाम रोशन हो रहा है, अच्छा अच्छा एक ट्राइंगल बना दिया, ये वो कर दिया, वो कुछ भी चल रहा है। आपको एकेडमी में जाओगे ना तो दिमाग फट जाएगा, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे पास पावर आ जाए और एक गान खरीदू, मैं जितने सारी ये गंदा वाला चीज हो रहा है ना, सबको सर को फाड़ दू सबको, ऐसा लगता है सच में, मतलब ऐसा होता है, क्योंकि ये जो आर्ट फील्ड को वो तो बस ऐसे कर रहा है, और ठीक है आपको इच्छा नहीं है, आपको करना ही नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हो, आप और 50, 100 मतलब हजारों बच्चे को दिमाग में जो आप फैला रहे हो वो तो गलत है, ये तो सही नहीं है। हाँ सोचना है, सोचने की तरीका आप समझा दो बच्चों को, जो कि ऐसा कंपोजिशन ऐसा होता है, कंपोजिशन सोचो, कंपोजिशन को ऐसे ऐसे करके करो, लेकिन एक लाइन ये वो कर दिया, ये कर दिया, वो एक टाइम होता है, वो एक एज का एक एक्सपीरियंस बनता है। मतलब सोचो कि मेरा मेरा कभी दुख नहीं हुआ, मतलब रोना कभी, आंसू कभी नहीं निकले, और मैं ऐसा एक पेंटिंग कर रहा हूं कि इतना टेंशन था, इतना प्रेशर था, जहां मेरा लाइफ नहीं चल रहा था, उतना दुखी था, एक पेंटिंग बना रहा हूं, तो वो क्या वो उस फीलिंग आएगा, या एब्स्ट्रैक्ट आप सोच रहे हैं तो वो क्या कर लोगे, वो लेकर के उस सिचुएशन को समझना चाहिए, तब वो पूरी एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद पेंटिंग होती है। आज के टाइम वो सिर्फ टाइम ही नहीं है, पहले पेंटिंग उसके बाद एक्सपीरियंस तो ये गलत है, कुछ नहीं आ रहा वो बाद में एब्स्ट्रैक्ट में चला जा रहा है। हाँ 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 ऐसे ही हो रहा है, और कुछ नहीं, ऐसे ही है, बहुत कुछ है जो अच्छा एब्स्ट्रैक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ वो तो सही है, लेकिन वो हर टाइम में रहता है, वो सब स्टडी करके बैठे हैं, वो सच में कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मेन क्या है ना कि लोग डायरेक्ट उनका एब्स्ट्रैक्ट काम देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि वही है, वो करने से पहले वो क्या कुछ करके बैठ गए हैं वो कोई नहीं देख रहा। जैसे पिकासो का जो क्यूबिज्म वगैरह है, लास्ट में जो वो कर रहे थे टोर पर पूरा, अब आदमी वो देखेगा तो कॉपी करना स्टार्ट किया कि नहीं, ऐसे ऐसे लाइन बना के क्यूब्स बना के पिकासो का काफी सारी ऐसा पेंटिंग्स को फॉलो करके कुछ कुछ लोगों ने, लोगों को लगता है कि अरे ये तो इतना फेमस हो गया था तो मैं भी ऐसा बनाना स्टार्ट करूंगा, उनको कुछ भी नहीं आता है, बस ड्राइंग किया और उनके बाद उनको पिकासो को पढ़ लिए और उनके उनकी हिसाब से स्टार्ट कर दिए। अरे भाई वो पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस गेन करके वो सब कर किए हैं, इसीलिए तो उनका खतरनाक वो लाइन, उनका कॉन्सेप्ट, उनका जो प्ले करने की जो तरीका, उनका जो मैसेज वो अलग लेवल पे था, इसीलिए था। वो क्या कर रहे कि उन्होंने जैसे ड्राइंग करता था वो कॉपी करना स्टार्ट कर दिए, फिर उन्होंने कंपोजिशन क्रिएट कर रहे तो उनकी हिसाब से कर रहे हैं, उनकी कलर टोन यूज कर रहे हैं, सोचो ऐसा चल रहा है दुनिया में। अरे वो तोड़फोड़ करने से पहले वो कितना कुछ बना चुके हैं, वो कोई नहीं देख रहा ना। कोई भी इसका डिस्ट्रक्शन करने से पहले कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए, पहले कंस्ट्रक्शन होता है फिर डिस्ट्रक्शन, पहले डिस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कहां से होगा। वही वही, और काफी सारी मैं और एक चीज बताऊंगा कि कुछ दो चीज से बच के रहो, मतलब जितने सारी नए बच्चे हैं, जितने सारे लोग आज वीडियोस मेरे देख रहे हो अनुपम भाई का, तो सबके लिए एक ही बात कहूंगा, बहुत सारे लोगों के साथ आप मिलोगे, दो टाइप का लोग होता है,
एक बहुत पॉजिटिव करेगा, मतलब बहुत ऐसा आपको चार्ज कर देगा ना, मतलब ऐसा हवा में आपको उड़ा देगा ना, तो आपको लगेगा कि अरे भाई मैं तो एक बैलून बन गया, अभी मैं उड़ सकता हूँ। गैस जब खत्म हो जाएगा फिर आप नीचे जमीन में गिर जाओगे, एक टाइप का लोग होता है। दूसरी टाइप होता है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एनर्जी वाला लोग होता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा बात करेगा, आपको लगेगा कि हाँ सही है, उसके बाद ऐसा एक बात पॉइंट घुसा के जाएगा ना, उनको लगेगा कि अरे हाँ ये तो सही है, आप जिसको टीचर मानते हो ना वो टीचर ही है। काफी सारे ऐसे लोग कहेगा कि अरे ये भाई ये आपका कॉम्पिटिटर है, ऐसा कुछ कुछ जगह ऐसा ऐसा कुछ मैसेज आता है ना, तब लगता है कि जो लोग ये सब बात करते हैं उन लोगों का मतलब क्या कहो कि ये कौन सा थॉट से कह सकते हैं, और एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा बात है ना, लेकिन आप किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो तो ठीक है, बुरा करने की क्या जरूरत है। तो वैसे बहुत नेगेटिव एनर्जी वाला बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका फैमिली से दूर कर सकते हैं, तो आप संभाल के रहो। इतना ही था। और जो आर्ट कॉलेज वाला जो फंडा बताया कि आर्ट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वेरी गुड, कोई बात नहीं, लेकिन आर्ट कॉलेज में पढ़ते वक्त आप कुछ करके दिखा दो जो कि आप कॉलेज से बाहर निकल के ऐसा कुछ बना लो जो कि आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इतना ही कहूंगा। एंड करने से पहले मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था वासुदेव कामत सर का, आप जानते ही हो उनको। हाँ, वो बोल रहे थे कि 4 साल का जो होता है बीएफए वगैरह उसमें थर्ड ईयर तक ही इतना कुछ कर लेना चाहिए कि कॉलेज के बाद क्या हो रहा है, क्या करना है, वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। जॉब लेने से कुछ मतलब है नहीं कि टीचर बनना है ये करना, अगर बन रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल टीचर बनना है, एक स्कूल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है आज के टाइम पे। स्कूल लेवल पे अच्छा टीचर नहीं है, स्कूल लेवल पे जो टीचर है वो कौन है मैं बता रहा हूँ, बस कोई अच्छा कॉलेज में कहीं से एडमिशन हो गया। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरे जान पहचान में एक है जिसने शांति निकेतन से बीएफए किया है अब, और अभी वो स्कूल में टीचर है, ठीक है। और मेरा कोई जान पहचान को होगा तो समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी वो अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में टीचर है, आर्ट टीचर। अगर अभी आपको मैं उनका शायद 2-3 साल पहले उनका कंप्लीट हुआ है बीएफए शांति निकेतन से, विश्व भारती से, का नाम है इंडिया में, नाम है इंडिया के बाहर भी नाम है इस कॉलेज का। और अभी आप उसका कॉलेज से निकलने के 2 साल बाद का भी स्केचिंग देखोगे तो आप बोलोगे कि इस स्केचिंग के लेवल पे उसका एडमिशन तक नहीं होना चाहिए था शांति निकेतन में। ऐसा होता है सच में। तो क्या हुआ, वो एक डिजर्विंग स्टूडेंट का सीट भी खा गया, और एक इस लेवल का कॉलेज में जब इस तरीके से काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट भी आ जाता है उस कॉलेज के लिए। अभी कॉलेज के लिए नहीं, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, कॉलेज तो अपना जो है सो है, ये काम कौन कर रहा है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है कि मेरा जान पहचान का है उसको घुसा दो। तो एक डिजर्विंग स्टूडेंट का सीट वो खा गया, दूसरा स्कूल लेवल पे जो बच्चा का माइंड होना चाहिए आर्ट को लेके वहीं पे खत्म कर दिया गया है उसको। स्कूल लेवल पे सब चीज का नॉलेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल लेवल पे आप एकदम उसको आर्ट सिखाइए, म्यूजिक सिखाइए, नहीं, लेकिन कम से कम वहां पे उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये भी होता है, ये भी हो सकता है, इस फील्ड में भी ये काम किया जा सकता है। अभी क्या है, अभी तो नॉर्मली मोबाइल है तो बहुत लोगों को पता है कि हाँ आर्ट भी होता है, ये म्यूजिक होता है, लेकिन हम लोगों के टाइम पे क्या था कि कुछ ये सब था नहीं। जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब ये जियो वगैरह आया था, यूट्यूब चलाना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तब जाके थोड़ा बहुत चेंजेस दिखा आर्ट में, जब थोड़ा सा नॉलेज इन्फॉर्मेशन आने लगा कहीं से। हम लोगों के टाइम पे पता भी नहीं था कि बीएफए क्या होता है स्कूल, जबकि बहुत अच्छा खासा रिप्यूटेड स्कूल था, स्कूल में आर्ट टीचर भी था, लेकिन कोई बताने गाइड करने वाला नहीं था। तो स्कूल लेवल पे अगर टीचर बनना है किसी को आर्ट कॉलेज करके, तो एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनना चाहिए उसको आने वाले इसके लिए। आप 3 साल तक इतना काम कर लीजिए कि उसके बाद आपको काम करने काम का सोचना ना पड़े। एकदम वही सही है, मतलब आपका वही टाइम के अंदर जो करना है कर लो, नहीं तो मुश्किल होगा निकल के, क्योंकि आप उस थॉट पर नहीं रहते हो ना, तो आपके दिमाग में काफी सारी डेवलपमेंट हो चुके हैं पहले। कॉलेज करते करते बहुत सारे लोगों के साथ मिल चुके होंगे,
और उसके बाद स्किल भी उतना सारा डेवलप नहीं हुआ तो आप फर्स्ट सेशन में भूगना स्टार्ट हो जाओगे और अच्छे से नहीं कर पाओगे तो काफी मुश्किल होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे मेन बात है ये पैसा, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो वो एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, काम करने में भी मन नहीं लगेगा, काम कर ही नहीं पाएगा आदमी, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से काम करेगा। कितना भी आदमी बोल दे कि अपने लिए काम कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन चाहिए चाहिए वो चाहिए, लेकिन इन दिन पैसा चाहिए, कम से कम इतना चाहिए कि एक छत चाहिए और एक खाने के लिए कुछ चाहिए, उतना कम से कम उतना के लिए भी तो पैसा चाहिए, और ये फील्ड में काम करने के लिए भी पैसा चाहिए, अगर डेवलप करना है तो पैसा चाहिए। इतना पहले से बना लेना चाहिए थर्ड ईयर तक। मुझसे लेकिन क्या होता है कि लोग कॉलेज करने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करें, बीएफए कर लिया फिर मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 90% लोग जो मास्टर्स करने के लिए जाते हैं वो मास्टर्स के लायक ही नहीं होते हैं, पहले तो उनका बीएफए लेवल पे जो क्लियर होना चाहिए तो वो क्लियर नहीं है। वही तो ना, करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं मास्टर्स करने के लायक हूँ कि नहीं, पहले बीएफए बैचलर्स लेवल पे जो सीखना चाहिए उतना क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद मास्टर्स, तो अदरवाइज सिर्फ वही डिग्री लेके घूमना। और ये फील्ड, ये बात सिर्फ आर्ट फील्ड का नहीं है, ये सारा फील्ड का बात है, मैं आर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बोला ना कि आर्ट कॉलेज का जो खराब है थोड़ा सिस्टम, वो सारे फील्ड का खराब है, इंजीनियरिंग का भी वही है, बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी सोचता है कि क्या अब क्या कर रहे हैं। बहुत से मास्टर बीटेक करने के बाद एमटेक करने चला जाता है। नहीं, मैं अपने कॉलेज का बात बता रहा हूँ, जो बच्चा कंप्यूटर साइंस लिया वो तो आईटी सेक्टर में गया, जो बच्चा 4 साल मैकेनिकल पढ़ रहा है, ठीक है, 4 साल मैकेनिकल पढ़ने के बाद वो आईटी का जॉब कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद वो आईटी का जॉब कर रहा है, कोई भी फील्ड से वो जाकर आईटी का जॉब कर रहा है, उसका क्या मतलब बनता है बोलिए, तो 4 साल में जो तो बेकार किया ना उसका। आईटी कंपनी का क्या है, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप थोड़ा टेक्निकल फील्ड के नहीं है तो थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपको आपके 3-4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें जो सिखाया जाता है सिर्फ आपको वही काम करना है। आप तो 4 साल पढ़े मैकेनिकल, आप 4 साल पढ़ रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, करंट क्या होता है, कैसे मशीन काम करता है, वहां पे आपको कोडिंग लिखना है, दोनों का कोई लिंक नहीं है। तो सबका मतलब ऑलमोस्ट यही है, काम कर, डिग्री खत्म करने के बाद क्या करना है कुछ पता ही नहीं है, कोर्स करने के पीछे सब भाग रहा है। वही एक प्रॉब्लम है सच में। और बताओ कोई सवाल बवाल है? सवाल खत्म हो गया, आपका चेहरा पे अब दिख रहा है थकावट। ऐसा नहीं, ऐसा बात करते जाओगे तो मतलब एक होता है ना कि एक ऐसा चल रहा है तो पता ही नहीं चलता है, दिन चेंज हो गया, 12:10 हो गया, डेट चेंज हो गया, मंडे हो गया। अरे बाप रे, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा था कि हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जा रहा था, वीडियो कॉल हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अनुपम भाई से भी और सबको थैंक यू बहुत सारी, और आई होप सब आगे बढ़ो और बहुत अच्छा खासा नाम कमाओ, और नाम मतलब नाम के लिए नहीं, बस खुद का पेंटिंग को डेवलप करने के लिए बस आगे बढ़ो, हम लोगों का 100% सपोर्ट रहेगा आप लोगों के लिए, और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके, ठीक है? तो वैसे ही आपका आर्ट का जर्नी बहुत आगे बढ़ाओ, थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू सो मच, चलिए अभी एंड करते हैं, गुड नाइट, चलो गुड नाइट, बाय।